महत्वपूर्ण टॉपिक लेके हम लोग आ रहे हैं, डिस्कस करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है, स्टडी इन्वेस्ट एंड प्रॉस्पर। सो पहले मैं थैंक यू देना चाहता हूँ हमारा जो इंडिया का डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सर एंड प्रवीण जी, जो हमारा इंडिया का कंपनी दिल्ली ऑफिस का मैनेजर है, और सारे इंडिया का हमारा ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल और लोकल लीडरशिप काउंसिल हमारा जो रीजनल काउंसिल का मेंबर्स है। सो आज हमारा जो टॉपिक है स्टडी इन्वेस्ट एंड प्रॉस्पर, इसका ऊपर आज हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, और सेकेंड पार्ट में इन्वेस्टमेंट एजुकेशन का ऊपर भी डिस्कस करेंगे। मेरा साथ दूसरा होस्ट है मिस्टर श्रीकांत जी। सो आज जो टॉपिक है इसमें देखिए, स्टडी इन्वेस्ट एंड प्रॉस्पर। हमारा जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर आज है, उसमें कैसे, जैसा कि स्टडी स्टडी मीन्स आप इधर एजुकेशन ले सकते हैं, जो कि हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एजुकेशन आप लेके कैसे आपका लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे, आप कैसे सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कैसे यहाँ से एजुकेशन लेके हमारा डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो बनाए और कैसे लाइफ में सक्सेस स्टोरी लेके आया है, उसका ऊपर हम लोग पूरा डिटेल बातचीत करेंगे। इससे पहले जाने से पहले मैं हमारा जो कंपनी का जो कॉम्प्लायंस एंड डिस्क्लेमर्स में थोड़ा बता देता हूँ कि हम लोग डिस्कस तो करेंगे ईआईपी, जैसा कि एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, और एमएलसीए मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, और क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का ऊपर भी बहुत सारा चर्चा इधर करेंगे। सो हमारा जो कॉम्प्लायंस एंड रिस्क डिस्क्लेमर है, मैं थोड़ा सा उसका ऊपर नजर देता हूँ आप लोग को, कि वी डू नॉट सेल एंड डू नॉट हैव ए लाइसेंस टू सेल शेयर्स और टोकन्स ऑल कंट्रीज। जैसा कि हर हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल रेगुलेशंस है, और उसी का ऊपर हम लोग जो वी ऑफर अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग। हमारा जो यहाँ पे सेशन है, तो हम लोग अभी प्रोवाइड करेंगे कि हाउ टू बिल्ड योर वेल्थ, आप लोग कैसे नॉलेज लेके आपका पोर्टफोलियो बना पाएंगे, आप लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे, उसका ऊपर हम लोग नॉलेज देते हैं। और वी डू नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल और इंस्ट्रूमेंट कंसल्टेशंस, एंड प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस और रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम ए लाइसेंस अकाउंटेंट और फाइनेंशियल। आप जो भी आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जैसा कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट लॉज होता है, वो सबको देख के आप अपना पोर्टफोलियो और उसमें आगे बढ़िए। सो आगे जाने से पहले मैं मेरा थोड़ा सा परिचय आप लोग को दे देता हूँ। तो मेरा नाम है रत्नाकर पलाई, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ, और मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रीजनल काउंसिल उड़ीसा इंडिया का रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी का पार्टनर आज मैनेजर रैंक में हूँ, और वीआईपी ऑफ मेंबर ऑफ वीआईपी क्लब एंड सीआरयू क्लब, मैं इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ, प्राइवेट इन्वेस्टर भी हूँ और एंटरप्रेन्योर भी हूँ। और बाय द वे मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, मैं एमटेक इन आईटी हूँ, एंड मेरा 20 इयर्स का और 10 साल का वेरियस आईटी इंडस्ट्री में मेरा एक्सपीरियंस है। सो मेरा आवाज थोड़ा सा ठीक ठाक आ रहा है, कोई हैंड रेज कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आई थिंक आवाज एवरीथिंग इज क्लियर, स्लाइड एंड साउंड इज ओके, परफेक्ट, ओके, थैंक यू सर। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आज का जो मीटिंग का एजेंडा है, पार्ट ऑफ द मीटिंग हम लोग डिस्कस करेंगे आज इन्वेस्टमेंट थिंकिंग का ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, और एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का रोल क्या है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफ थिंकिंग, उसका नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, हमारा जो एकेडमी है, जैसा कि 176 कंट्रीज में चल रहा है, कैसे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देके सक्सेसफुल कर रहा है, और वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर उसका क्या रोल है इसमें, और मल्टी लेवल ऑफ क्राउड इन्वेस्टिंग एमएलसीए बिजनेस का भी
क्या रोल है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और हमारा जो न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जैसा कि विश्व का आर्थिक विकास कैसे हम लोग 15% पॉपुलेशन के पास हम लोग पहुंचेंगे, जैसा हमारा द ग्रेट सीईओ मिस्टर आंद्रे खबरदार सर का मिशन एंड विजन है वो क्या है, डिटेल इसी स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड व्हाट इज न्यू एंड प्लान्स ऑफ द कंपनी, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड पार्ट में मैं बता देता हूँ कि हमारा जो ट्यूजडे के बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन होता है, और थर्सडे को फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग बिजनेस होता है, जो आज मेरा साथ और भी कोस्ट है जिस सिकन जी, वो आपको बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन का ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हमारा जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर है उसका बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर जो है हमारा ऑनलाइन पोर्टल 9 साल से मतलब 2011 से हम लोग डिफरेंट कंट्रीज है, जैसा कि 176 कंट्रीज में हमारा एकेडमी का इंस्टीट्यूशन है। हम लोग का हमारा इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी देखिए इधर 74,000 प्लस पार्टनर्स, ये जैसा कि सितंबर का रिकॉर्ड है, अक्टूबर में भी बहुत आदमी ज्वाइन कर लिया है, जैसा कि हम लोग देखेंगे इस मंथ का मंथ एंड मीटिंग में हम लोग को डिटेल और भी थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। सो अराउंड 15 लाख पार्टनर्स अभी ये एकेडमी के साथ ऑलरेडी जुड़ गया है। सो हमारा पास जो टीचर्स और एकेडमी के साथ जो टीचर्स है, टीचर्स विथ 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का ऊपर 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जैसा कि हमारा आंद्रे खबरदार सर जी है और अरमंड मुनिस सर है, मिला मैडम है, हम लोग को बीच बीच में वो लोग आते हैं, और मारिया मैडम है जो ब्लॉकचेन का हेड है, वो सब वास्ट एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का ऊपर, वो सब भी आके आप लोग को, जैसा कि सैटरडे का हम लोग का कंपनी का वेबिनार होता है, और आई थिंक 2 डेज के बाद मारिया मैडम का भी एक वेबिनार है जो ब्लॉकचेन का ऊपर है। सो हम लोग का 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो टीचर है उन लोग का है, और बेसिकली प्रैक्टिकल स्टडीज इन एरियाज ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। प्रैक्टिकल स्टडीज मीन्स मार्केट में पूरा प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं, जैसा कि हमारे पास जो एक्सपर्टीज है जैसा कि आंद्रे सर है वो पूरा प्रैक्टिकल, जैसा कि हम लोग थियोरिटिकल एजुकेशन होता है, जैसा मैं कोई आप सब लोग थियोरिटिकल एग्जाम एजुकेशन लेते हैं, उसका बाद आप केस स्टडीज करते हैं, उसका ऊपर डीप नॉलेज लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का ऊपर हम लोग पूरा प्रैक्टिकल स्टडीज भी करते हैं, रियल केस स्टडीज। जो लोग डिफरेंट एजुकेशन लेके प्रोजेक्ट करते हैं तो वो रियल केस स्टडीज करते हैं, ग्रुप ऑफ लेसन देते हैं, इंडिविजुअल कोचिंग एंड मॉनिटर मेंटरिंग सर्विसेज इधर हम लोग देते हैं। सो बाई टेकिंग दिस एजुकेशन, ये एजुकेशन लेके बहुत सारा आदमी और बहुत सारा लीडर्स आज दुनिया में और वर्ल्ड में नेक्स्ट लेवल को आए हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उन लोग का भी नाम और उन लोग का भी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, ये जो स्लाइड है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इन्वेस्टमेंट थिंकिंग क्यों हम लोग को इन्वेस्टमेंट थिंकिंग आता है मन में, ये इस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। जो हमारा ऑथर है द ग्रेट मिस्टर रॉबर्ट क्योसिकी सर एक बढ़िया एग्जांपल दिए है, तो आप लोग को क्यों हम लोग इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थिंकिंग जाने से मैं, जैसा कि मेरा लाइफ में मैं 20 साल ऑलरेडी नौकरी किया हूँ, आप लोग को भी एक सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग जो लोग अभी जॉब में है, जो लोग एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करते हैं, तो आप लोग वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे सेटिस्फाइड है और नहीं है? जो लोग है सपोज 1 दबाए, जो लोग नहीं है तो 2 दबाए, मैं फिर आप लोग को बोलूंगा व्हाई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इज नेसेसरी नाउएडेज। हम लोग को देखिए बहुत सारे आदमी का ऑलरेडी आगे चटकी नहीं है, मतलब कि जो हमारा एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम
हम लोग को मिलता है, आइदर कोई जॉब भी करता है, कोई एंटरप्रेनर है, सेल्फ बिजनेसमैन है, तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम जो हम लोग को मिलता है वो सबके लिए मतलब सफिशियंट नहीं है। हम लोग जाके रॉबर्ट कियोसाकी सर का स्लाइड भी देखेंगे, क्यों? बिकॉज आप देखेंगे जो इनकम का जो इंक्रीमेंट है और आपका एक्सपेंडिचर का जो इंक्रीमेंट है वो बहुत सारा डिफरेंट है। आप देखेंगे तो ईयरली आपको एक इंटरनेशनल स्टडी में एक पढ़ रहा था कोई एक अच्छा लीडर का 30-40% किसी किसी केस में 50% ग्रोथ इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो आपका मंथली एक्सपेंसेस होता है, जैसा कि हाउस रेंट हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया और आपका डेली एक्सपेंसेस हो गया, वो सब मिला के आप देखेंगे आप इस साल जितना पैसा खर्च करते हैं नेक्स्ट साल को आप 30-40% आपका मंथली एक्सपेंसेस हाइक हो जाता है और आपका इनकम उसी लेवल पे हाइक नहीं होता है। तो हम लोग को एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम हम लोग सोचते हैं, हम लोग इसीलिए इन्वेस्टमेंट थिंकिंग का ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं कि क्यों कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट थिंकिंग और सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम लेके, जैसे कि वर्ल्ड में प्लैनेट में 10% आदमी आज सक्सेसफुल हुआ है, हम लोग उस कैसे उसी लेवल को जाएंगे। अभी देखिए मैं जो अभी बोल रहा था ये है हमारा रॉबर्ट कियोसाकी सर का जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, सब लोग भी पहले से भी ये स्लाइड से ऑलरेडी फैमिलियर है, तो मैं खाली सिंपल बता देना चाहता हूँ, आज जो 10% मनी इज ओन्ड बाई 90% ऑफ पीपुल एंड 90% ऑफ मनी इज ओन्ड बाई 10% ऑफ पीपुल, वो जो बिजनेसमैन और जो इन्वेस्टर है वो लोग कैसे सक्सेसफुल है, वो लोग के पास एजुकेशन भी है पहले से, वो लोग ये इन्वेस्टमेंट एजुकेशन भी लिया है और वो लोग लाइफ में भी रिस्क लिया है, क्योंकि और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग भी वो लोग बोल्ड डिसीजन लेके आज उसी लेवल पे 10% कैटेगरी में पहुंचा है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग कोई जॉब करता है पर्सनली, जैसा कि मैं जॉब में 20 साल से जॉब करता रहा हूँ, दोज हैविंग ए जॉब एंड एंटरप्रेनर जो रहा, दोज हैविंग ए सेल्फ क्या सेल्फ बिजनेस और दे वर्क फॉर देमसेल्फ। आप देखिए उन लोग का कैश में कैसे क्या होता है कि उन लोग का कैश में आप जो इनकम है वो लिमिटेड होता है, इसलिए क्या है वो लोग कभी भी लियाबिलिटी से बाहर नहीं आ पाता है, कभी हाउस को भी मतलब एक घर वो खरीदता है लियाबिलिटी से लेके, कोई गाड़ी भी खरीदता है मतलब फाइनेंस से लेके, बिकॉज उन लोग के पास सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो एक एक्टिव इनकम का ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक सिंगल सोर्स ऑफ जो हम लोग बोलते हैं जो जॉब करता है जो एंटरप्रेनर है वह सेल्फ बिजनेस है वो एक्टिव इनकम का ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और उसमें हम लोग को जो सैलरी मिलता है उसका वो सिंगल सोर्स ऑफ ऊपर हम लोग डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग का लाइफ उसी स्टाइल में और आदमी उसी स्टाइल में वो लियाबिलिटी के चक्कर में घुस जाता है। जो बिजनेसमैन है आप देखिए, बिजनेसमैन योर बिजनेस एंड योर पीपल विल वर्क फॉर यू। कैसे? सपोज मैं एक बिजनेसमैन सपोज बन जाऊंगा, मैं 10-20 आदमी को सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं 10 और सपोज 20% आदमी को मैं मेरा एक छोटा सा फैक्ट्री बना दूंगा उसमें रखूंगा। देखिए इनकम पर्सन का इनकम कैसे वेरी करता है, साइंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन कैसे है, आप सपोज कैलकुलेट करेंगे कोई बिजनेसमैन जैसा हम लोग सब बोलते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल उन लोग के लिए काम करते हैं, कैसे काम करते हैं कि वो बंदा एक पर्सन को हायर किया, सपोज उसका एबिलिटी है पर आवर 100 रुपीज, सो पर डे का उसका सैलरी कितना हो गया 100 × 8, 800 रुपीज हो गया उसका सैलरी जो जॉब भी करता है, एबिलिटी इंटू टाइम इक्वल टू इनकम। सो एक इंटरनेशनल स्टडी में दिया गया है जो एक एम्प्लॉय का जो एबिलिटी जो इनकम है कंपनी उसको 33% पेमेंट करता है,
बाकी जो बिजनेसमैन है, एक पर्सन का हेड में वो 70% वा 67% प्रॉफिट वो ले लेता है, बाकी उन लोग का उसका भी वो डिफरेंट मतलब एक्सपेंसेस है। आप लोग सोचिए, सपोज वो बिजनेसमैन का अंडर 100 आदमी काम करता है तो उसका कैपिटल और उसका इनकम कितना मल्टीप्लाई हो गया। तो हम लोग 24 घंटे में 8 घंटा काम करता है, कोई कोई 10 घंटा काम करता है। किसी कंपनी में प्रोडक्शन सेक्टर में उस लोग का ओटी मिलता है, किसी में नहीं मिलता है, नो प्रॉब्लम। बट बिजनेसमैन वो अपना माइंड सेटअप किया, मार्केट में रिस्क लिया, रिस्क लेके वो क्या किया, जो आदमी 10 आदमी उसका अंडर काम करता है वो इंडिविजुअल पे वो प्रॉफिट लेता चलता है। और इन्वेस्टर का केस में क्या है, जिसका पास पैसा नहीं, सॉरी दिमाग नहीं है, और सपोज वो लोग चाहता है कि नहीं मैं खाली इन्वेस्ट कर दूंगा, जिन लोग का जैसा कि मनी वर्क्स फॉर देम, वो लोग का पास पैसा है, वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो बना दिया, बना के छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली दे आर मनी विल वर्क फॉर देम। सो हम लोग जैसे, हम लोग वी आर वर्किंग फॉर मनी, बट फॉर इन्वेस्टर दे आर मनी विल वर्क फॉर देम। उन लोग के लिए उन लोग का पैसा काम करता है, उन लोग का पोर्टफोलियो एवरी ईयर मल्टीप्लीकेशन होके जाता है। हम लोग क्या करता है, हम लोग एवरी ईयर डेप्थ और लियाबिलिटीज में जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, हमारा जो अकेडमी है, जो अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर जो आंद्रे साहब ने स्थापना किया है, वो कैसे, उससे कैसे हम लोग एजुकेशन लेके, हम लोग का यहाँ से प्रॉपरली एजुकेशन लेके, हम लोग कैसे जो 90% कैटेगरी में है उससे हम लोग को जो मतलब बाहर आके 10% कैटेगरी में हम लोग घुसेंगे, वो ये हमारा जो अकेडमी है एपीआई का मेन मिशन एंड विजन है। तो जैसा कि आंद्रे सर का विजन, मिशन एंड विजन है, हम लोग 15% वर्ल्ड जो 800 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है उससे हम लोग, जो हमारा जो टारगेट है फर्स्ट लेवल में 15% पॉपुलेशन को हम लोग ये एजुकेशन, ये फाइनेंशियल एजुकेशन हम लोग देंगे। हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन देके कैसे उन लोग से कि आगे लेके आएंगे, नेक्स्ट लेवल को लेके आएंगे, वो हमारा ये एकेडमी का मोटो है। सो ये हम लोग ये एजुकेशन लेके हम लोग कैसे 90% से निकल के 10% कैटेगरी में आएंगे, बिजनेस कैटेगरी में आएंगे, देखेंगे। देखिए, ये हमारा लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, क्योंकि हम लोग इंडिया में सब लोग सोचते हैं तो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, नो, हम लोग खाली जैसे हम लोग सब हर आदमी का माइंड में सेटअप है कि एक अच्छा सा एजुकेशन ले लेंगे, एजुकेशन लेके अच्छा नौकरी कर लेंगे, काम खत्म। इन्वेस्टमेंट लिटरेसी में देखिए इंडिया का रेट क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन लोग का लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी कंपल्सरी है। और इसको मतलब आप जब फाइनेंशियल और ये फाइनेंस इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आए, आप ये एजुकेशन लेना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग अभी हर लीडर, हर आदमी को हम लोग सुन के आए हैं, जैसे कि सपोज मैं कोई डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर बनने के लिए तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, इंजीनियर बनने के लिए आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। सेम वे सपोज आपको फाइनेंशियल सेक्टर और एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम आपको बनाना है, आपको पोर्टफोलियो बनाना है, आप कैसे आपको, हम देखेंगे आज भी हमारा जो कोस्ट है मिस्टर सिकंजी, वो आप लोग को बताएंगे कैसे आप $1 को लेके मल्टी मिलियन डॉलर आप करेंगे, उसका जो फॉर्मूला है। तो उसको जानने के लिए तो आपको एनी हाउ फाइनेंशियल लिटरेट और फाइनेंशियल एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो हमारा जो ये अकेडमी है, ये अकेडमी हम लोग को अभी फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा है। So, ये फाइनेंशियल एजुकेशन लेके आज देखिए जो कंट्री अभी मार्केट प्लेयर्स है, आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स हो गया बा कनाडा हो गया, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे हाई हुए, बिकॉज दे आर मोर एजुकेटेड इन फाइनेंशियल। उन लोग के पास क्या है, फाइनेंशियल लिटरेट और फाइनेंशियल एजुकेशन का बहुत सारा नॉलेज है। वो नॉलेज को वो लोग अप्लाई करके, वो लोग आज जैसे कि वॉरेन बफेट सर है, तो वो धीरे धीरे मल्टीप्लीकेशन, उन लोग का पोर्टफोलियो को मल्टीप्लीकेशन करके दे रहे हैं। सो हम लोग का अभी देखेंगे, जो हम लोग देखा है इंडिया का डाटा क्या है, तो इसी हिसाब से हम लोग, हमारा पास जो सॉल्यूशन है, हम क्या दे सकते हैं पूरा प्लैनेट को,
हम लोग ये जो सॉल्यूशन देके हम लोग क्या आगे लेके जा सकते हैं आदमी को, हम लोग के पास तीन ऑप्शन आप इधर देख सकते हैं, वी हैव अ गुड सॉल्यूशन। पर्सनल ग्रोथ विद इन्वेस्टमेंट कोर्सेस, हम लोग का मेन टारगेट है कि इन्वेस्टमेंट कोर्सेस, इन्वेस्टमेंट कोर्सेस आप लेके आपका जो पर्सनल ग्रोथ, जो फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे कि आप देख हमारा एजुकेशन और जो बैक ऑफिस में है, आप 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हम लोग का एंड्रयू सर का जो मिशन एंड विजन और जो दिया गया है, आप देख सकते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट कोर्सेस हम लोग लेके हमारा पर्सनल ग्रोथ भी हम लोग कर सकते हैं। पर्सनली ग्रोथ इन द मीन्स फाइनेंशियल ग्रोथ, हम लोग कैसे हमारा कैपिटल, हमारा एसेट को मल्टीप्लाई करके हम लोग एक पैसिव इनकम लेना शुरू करेंगे, और उसका साथ भी हम लोग एक बिजनेस एजुकेशन इधर दिया जाता है, जैसा कि आप एंटरप्रेनर एक इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच मीन्स फ्रॉम बिगनिंग, पूरा जीरो टू लेके। सपोज आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको होम बेस्ड बिजनेस हम लोग बन, मतलब वैसे आपको कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा और इतना पैसा भी आपको लगाना नहीं पड़ेगा। सो हियर वी हैव अ सॉल्यूशन, ट्रेनिंग कोर्सेस, ट्रेनिंग कोर्सेस हम लोग देते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेस देते हैं, उसमें हम लोग को गोल सेटिंग, क्योंकि आपका लाइफ में जो गोल है, जो ड्रीम्स है, वो ड्रीम्स को हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे, व्हाट इज योर ड्रीम एंड हाउ टू अचीव इट, व्हाट इज द स्पीड टू अचीव द ड्रीम, हम लोग के पास और हमारा पास जो मेंटर्स है, जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में हमने दिखाया 23 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचर्स है, वो लोग आपको हेल्प करेंगे हाउ टू अचीव योर ड्रीम एंड हाउ टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। बिकॉज हम लोग सपोज इंडिविजुअली सपोज काम करते हैं तो कोई से कुछ किसी से नॉलेज नहीं लेते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लाइन में जाते हैं तो किसी भी गलत कर सकते हैं, तो इसीलिए हमारा जो टीचर्स है, हमारा जो मेंटर्स है, जो लीडर्स है, हम लोग को ट्रेनिंग कोर्सेस पूरा अच्छा तरीके से फाइनेंशियल कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट हम लोग करते हैं इंडिविजुअली, गोल सेटिंग, प्लानिंग, इम्प्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसा कि हम लोग का अंदर एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम में जो देखा है कि इंडिया में जो रेट है, जितना लो परसेंटेज है, ये एजुकेशन लेके हम लोग कैसे हमारा फाइनेंशियली लिटरेसी व फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि मैं वह अच्छा क्या बोलूंगा, अच्छा स्पीकर से सुना था कि एक छोटा सा सेंटेंस बहुत मतलब मीनिंगफुल वर्ड है, ए ग्रेजुएट ऑफ यस्टरडे इफ स्टॉप रीडिंग टुडे विल बिकम इलिटरेट टुमारो। आप ये जो सेंटेंस है इसको थोड़ा गौर से देखिए, ए ग्रेजुएट ऑफ यस्टरडे इफ स्टॉप रीडिंग टुडे विल बिकम इलिटरेट टुमारो, इसका मतलब यही है आप कल जो पाठ मतलब पढ़ के आया है, ओके इट इज गुड, नो प्रॉब्लम, बट आप आज का जो कॉम्पिटिशन है, आज का टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहा है, जो मार्केट कॉम्पिटेटिव मार्केट है, आप वो मार्केट को देख के आपको एवरी टाइम लर्निंग करना पड़ेगा, जैसा कि लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो आप लर्निंग करेंगे तो आप ये मार्केट का साथ मेंटेन करके और मार्केट का साथ साथ ही आप चल के जा सकते हैं, ये जो इंग्लिश सेंटेंस का मीनिंग यही है। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रेजुएट वो इलिटरेट होगा, नो, इसका मीनिंग यही ऐसा है। तो इसीलिए हम लोग का जो ये कोर्सेस है, हम लोग का ये कोर्सेस आपको एक पूरा हाईएस्ट और एक मार्केट स्टैंडर्ड और एक लेटेस्ट स्टैंडर्ड को लेके फाइनेंशियल एजुकेशन हम लोग को देते हैं, जैसे कि आप जैसे डेवलप कर करके, आप जैसे ग्रो होकर के जाएंगे, आपको ये कोर्सेस और आपको फाइनेंशियल एजुकेशन ये आपको देते जाएगा, और आपको पोर्टफोलियो और आपको इनकम ये धीरे धीरे हमको बढ़ते जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे हम लोग पोर्टफोलियो बनता है। देखिए हमारा इधर एक प्राइवेट VIP क्लब ऑफ ए प्राइवेट इन्वेस्टर, हम लोग जो प्राइवेट इन्वेस्टर का अंदर आते हैं उसमें एक VIP क्लब है। VIP क्लब का क्या यूज है हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए इन द मार्केट, इन द सोसाइटी देर आर डिफरेंट क्लब्स, ईच सब सोसाइटी में कुछ कुछ क्लब्स है। आप कोई ग्रेजुएट स्टॉप रीडिंग टुडे विल बी यस,
ए ग्रेजुएट सब एक्सीलेंट ओके थैंक यू प्रवीण सर प्रवीण ओके सो वीआईपी क्लब ऑफ ए प्राइवेट इन्वेस्टर जैसा कि हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स हम लोग का एक वीआईपी क्लब है उसमें बहुत सारा बेनिफिट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आप सपोज वीआईपी क्लब को एंट्री करेंगे हमारा जो कंपनी का वीआईपी क्लब्स है उसमें क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा वो हम लोग देखेंगे तो देखने से पहले हम लोग एक देखते हैं कि ये हमारा लीडरशिप काउंसिल ऑफ इंडिया है जो लोग आज ये एजुकेशन लेके ये फाइनेंशियल एजुकेशन लेके आज पूरा जीरो टू मतलब एक स्क्रैच लेवल टू लेके आज सक्सेसफुल एंटरप्रेनर सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो भी बोल सकते हैं आप सोशियल रिकॉग्निशन सोसाइटी में अभी एक नाम लेके आ रहे हैं हमारा हर लीडर्स जैसा कि आप सब लोग उसमें देख सकते हैं पूरा हर स्टेट में लोग लीडर चुन चुन के आए हैं तो ये है हमारा एजुकेशन का पावर जो एपीआई का एजुकेशन का पावर है। नेक्स्ट में जो आपको बोल रहा था वीआईपी क्लब ऑफ है प्राइवेट इन्वेस्टर वीआईपी सपोज आप हमारा वीआईपी क्लब में एंट्री करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ये एक एलआईटी क्लब है एक लिमिटेड ग्रुप और जो एंटर करते हैं उसके लिए देखिए डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट्स इज अप टू 70% कभी कभी जैसे देखिए गोल्डन फ्राइडे था उसमें भी बहुत सारा लेवल्स ऑफ परसेंट डिस्काउंट था डाटा माइनिंग में साइबर में आता है उसमें भी डिस्काउंट मिलता है सो हर प्रोडक्ट जो हमारा ईआईपी आता है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या क्या ईआईपी से है सो डिस्काउंट आपको मिलता है एक्सक्लूसिव ऑफर्स आपको मिलता है आप एक एक्सेस टू क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम एंड इट्स बोनसेस हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो बेहतरीन प्रोडक्ट है क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम जो क्रिप्टो यूनिट का जो मिशन एंड विजन जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना है उसका हम लोग ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आप वीआईपी क्लब में जाते हैं तो ये आपको मिलेगा और एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि हम लोग एक सिंगल इनकम पे मतलब हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है कैसे हम लोग एक एडिशनल स्ट्रीम ऑफ कंटिन्यूसली इनकम जो जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम हम लोग को मिलेगा इधर से पार्टिसिपेशन इन क्लोज्ड मीटिंग्स मंथली क्लोज्ड मीटिंग हम सब लोग को मालूम है हमारा तो बहुत सारा लीडर्स ऑलरेडी है सीनियर लीडर्स है और न्यू आदमी भी है हम लोग को क्या होता है हमारा कंपनी में दो मीटिंग होता है मंथली एक ओपन मीटिंग क्या है सबके लिए है जो हमारा पार्टनर्स है और एक होता है क्लोज्ड मीटिंग जैसे कि आंड्रे सर हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड वैलेंटाइन सर और डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं पूरा एंटायर बिट बाय बिट इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और कंपनी का ग्रोथ एवरीथिंग दिया जाता है आप सपोज वीआईपी क्लब में आएंगे वो सारा इंफॉर्मेशन वो सारा पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा इधर से ओके सो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं जैसा कि मैं बोला आपको हमारा कि क्या क्या ईएफ से और एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट्स है देखिए हमारा ईआईपी बिगनर है एक प्रोडक्ट फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग प्लस 8 रूल्स ऑफ ए प्राइवेट इन्वेस्टर फाउंडेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन हाउ $1 million turns into $1 million तीन कोर्सेस है ईआईपी बेसिक्स में 5 कोर्सेस है ईआईपी एलिमेंटरी एजुकेशन है इसमें अप टू मैराथन सक्सेस है मैराथन कोर्सेस अभी रिसेंटली फिनिश हुआ है आप सब लोग को मालूम है सब लोग भी पार्टिसिपेट बहुत सारा आदमी पार्टिसिपेशन भी किया है और एक है एलिमेंटरी सॉरी ईआईपी सेकेंडरी एजुकेशन ईआईपी हायर एजुकेशन जो जिसमें पूरा हर चीज हर पार्ट्स उसमें कवर करता है तो हम लोग देखेंगे फिर ये जो एजुकेशन है एजुकेशन में क्या कॉस्ट है ये सब जो यूनिट्स है यूनिट्स मींस ये ईच यूनिट इज इक्विवेलेंट टू $1 जैसा कि ईआईपी बिगनर का प्राइस है 50 यूनिट मतलब $50 और ईआईपी बेसिक 250 और ईआईपी एलिमेंटरी 1000 मेन कोर्स प्राइस है 200 उसमें हम लोग को 50 पे मिलता है सो अभी जो मिलता है मैं वही रेट बोल रहा हूँ आपको ईआईपी एलिमेंटरी एजुकेशन 100 यूनिट ईआईपी सेकेंडरी एजुकेशन 4000 यूनिट ईआईपी हायर एजुकेशन 10,000 यूनिट सो ईच पैकेज का साथ आपको फाइनेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मिलेगा जो मैं दिखाया और उसका साथ आपको सीआरयू बोनस विथ ईच पैकेज
इच एवरी पैकेज का साथ हमारा सीआरयू जो है ऑलरेडी वो तो डब्ल्यू सीआरयू होने वाला मतलब हो गया है, और नेक्स्ट को आप बैक ऑफिस में डिटेल इसका रोड मैप और सब आ जाएगा। तो एवरी पैकेज का साथ हम लोग को सीआरयू एज ए बोनस मिलता है। तो सीआरयू क्या है, ये जो स्लाइड है ये हम लोग थोड़ा उसमें देखेंगे। जो सीआरयू क्रिप्टो यूनिट बा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जैसे कि एंड्रेस सर ने इसको बनाया था मार्च 2019 में। क्यों बनाया था, जैसा कि फास्टली मैं बोला कि हम लोग एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम, कैसे हम लोग एक पैसिव इनकम का तरफ और मार्केट का को ओनरशिप, जैसा कि हम लोग देखा हमारा जो लीडर हमारा जो ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी सर का स्लाइड है, बिजनेसमैन उन लोग को क्या होता है, उन लोग को बेसिकली उन लोग का पैसा, उन लोग का टीम, उन लोग का काम करता है, जैसा कि पैसिव इनकम मिलता है। सो एंडरसन ने ये जो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम बनाया है, इसमें देखिए आपका नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे ये कैसा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर में बेस करता है और कैसे मार्केट का डिफरेंट सेक्टर्स ऊपर बेस करता है। जो लोग इसमें एसोसिएटेड है उन लोग क्या है, बेसिकली उन लोग धीरे धीरे पैसिव इनकम उन लोग को मिलता चल रहा है कि मार्च 2019 में ये क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का स्टार्टिंग बाय इनिशियल बाय इनॉग्रेशन हुआ था। धीरे धीरे देखिए अप्रैल में फर्स्ट स्टेज हमारा 2-3 दिन में खत्म हो गया था। अप्रैल 3 अप्रैल को हम लोग स्टेज 2 में आ गया था, देन स्टेज 3 में। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देखे हम लोग अभी आ रहे हैं, अब लोग अभी एसटीओ और डब्ल्यूसीआरयू को आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक नेक्स्ट मंथ में आप लोग बैक ऑफिस में फॉलो कीजिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा। और ये जो सीआरयू प्रोग्राम एंड्रेस सर ने इसको मतलब लेके आया है जिस मिशन एंड विजन से, आप सब लोग को एक अच्छा बेहतरीन वर्ल्ड का पोर्टफोलियो दिया है, जैसे कि आप लोग एवरी मंथ जैसा कि लॉयलिटी बोनस हम लोग को मिल रहा है। आगे आगे देखिए क्या क्या मिलता जा रहा है, एक पैसिव इनकम का तरह हम लोग देखेंगे। ये जो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम है ये मार्केट में 20 सेक्टर्स ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे हम लोग इच सेक्टर को हम लोग अभी कवर कर करके जा रहे हैं। सो जो टारगेटेड है वो अभी बहुत दिन से हम लोग बहुत मतलब नियर फ्यूचर में वो रोड मैप अभी कंपनी धीरे धीरे बना रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं एजुकेशन, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, सेक्टर ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेशन, हेल्थ, लॉन्गेविटी, बहुत सारा 20 डिफरेंट सेक्टर। आप सोच सकते हैं कि ये जो सीआरयू है ये एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखिए कोरोना पैंडेमिक में क्या हुआ, बहुत सारा कंपनी का शेयर और मार्केट भी देखिए आप डाउन चला गया, लेकिन हमारा जो पोर्टफोलियो है कैसे, मेरे को सब हर आदमी पूछते हैं सर मार्केट तो डाउन जा रहा है, आपका पोर्टफोलियो कैसे ग्रो कर रहा है, आपका पोर्टफोलियो जैसा मार्च में जो प्राइस में स्टार्ट हुआ था आज का जो प्राइस है आप सब लोग को मालूम है, मेरे को बताने का कोई जरूरत नहीं है। सो आप देखिए कैसे हाउ द पोर्टफोलियो इज ग्रोइंग इन द कोरोना पैंडेमिक, कैसे ग्रो कर रहा है, बिकॉज हमारा जो पोर्टफोलियो है वो एक डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो है। डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में क्या होता है, सपोज मार्केट में जब रिसेशन आता है बा मार्केट में जब कुछ प्रॉब्लम ये पैंडेमिक कोरोना पैंडेमिक जैसा वो आता है, कुछ सेक्टर्स में अफेक्टेड होते हैं, नो प्रॉब्लम, हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन सपोज हमारा पोर्टफोलियो एक मल्टी डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो होगा तो हमारा जो दूसरा सेक्टर है वो हम लोग को बेनिफिट देकर चलता जाएगा, जैसा कि हमारा पोर्टफोलियो आज एक डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, वो कुछ सेक्टर्स का मतलब लॉसेस हो रहा है ना प्रॉब्लम, लेकिन कुछ सेक्टर्स हम लोग का ज्यादा और कंपैरेटिवली प्रॉफिट दे रहा है, जो कि हम लोग उसको ग्रो करके धीरे धीरे हमारा पोर्टफोलियो आगे जा रहा है। जैसा कि ये लास्ट हमारा जो पोर्टफोलियो है क्रिप्टो यूनिट ग्लोबल का पोर्टफोलियो जो वर्थ है $477 मिलियन का पोर्टफोलियो है, आप देख सकते हैं ये तो पुराना रिकॉर्ड है और शायद ये सितंबर का रिकॉर्ड जो मीटिंग में दिया था, आप देखिए अक्टूबर में मंथली मीटिंग में ये मे बी उसका चेंजेस आप लोग रिफ्लेक्ट होगा जो आएगा
मीटिंग में। देखिए इसमें ये जो पोर्टफोलियो है इसमें लिमिटेड बहुत सारा कंपनीज दिया है, बहुत सारा पोर्टफोलियो है, आप सब लोग को मालूम है, सुशी मास्टर है, गोल्ड माइनिंग है, फिल्म इंडस्ट्री है, इनोवेटिव बासल टेक्नोलॉजी है हमारा, और कल्चर सेक्टर है जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, और सारा बहुत सारा पोर्टफोलियो इसमें अटैच है। और बासल टेक्नोलॉजी जैसा कि लेटेस्ट और न्यू टेक्नोलॉजी लेके आया है, और गोल्ड माइनिंग और सुशी मास्टर जैसा कि आप सबको मालूम होगा फ्यूचर में हम लोग एडू कैफे जो एक प्रोजेक्ट है एंडरसन ने बोला था, सो बहुत सारा और डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो है जो कि डिटेल्स हम लोग को क्लोज्ड मीटिंग में मिलता है, जो कि जो लोग ऑलरेडी वीआईपी क्लब में मेंबर है बा कंसल्टेंट से अबव है उन लोग को मालूम है जैसा कि बहुत सारा कंपनी इसमें है। सो हम लोग अभी देखेंगे जो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम है, क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम व्हाट डज द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम प्रोवाइड, हम लोग का जो क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम क्या देता है, फर्स्ट कोऑनरशिप ऑफ द प्री ग्लोबल पोर्टफोलियो, क्योंकि आप लोग को सपोज मैं जैसा कि बोला था कि एक सेपरेट सोर्स एक पैसिव इनकम लेने के लिए हम लोग को एक मार्केट ओनरशिप चाहिए और एक को ओनरशिप चाहिए। सपोज आप देखिए जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है जो भी 10% कैटेगरी में आता है वो सब क्या है, वो सब को ओनर्स है, ये मार्केट का को ओनर्स है वो लोग, क्योंकि वो लोग जहां पे बैठेंगे जहां पे भी वो लोग रहेंगे उन लोग का पास मार्केट का डिविडेंड मार्केट का इनकम जाता रहेगा, वो लोग फिजिकल आके मार्केट में नहीं काम करता है क्योंकि वो लोग को ओनर है। सो हियर क्रिप्टो यूनिट हम लोग का को ओनरशिप सह मालिकाना प्रदान करते हैं, जैसे कि फ्यूचर में आप लोग को डिफरेंट काइंड ऑफ बोनस मिलता रहेगा। सेकंड देखिए हम लोग तो मिलता आ रहा है लॉयलिटी प्रोग्राम बोनस सब लोग को, जो लोग ऑलरेडी में से ये क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम से एंट्री किया है सब लोग को भी लॉयलिटी बोनस मिलता आ रहा है। अपॉर्चुनिटी टू रिसीव प्रूफी बोनस भी आगे आने वाला है, कंपनी का डिसीजन बहुत शीघ्र आई थिंक मिलता रहेगा, जैसा कि एंड्रयू साहब ने बोला था धीरे धीरे वो कंपनी जैसा कि लीगलिटी बेसिस में यूजीपी ग्रुप थ्रो में आ गया, इसका भी बहुत सारा हम लोग गुड रिजल्ट आने वाला है, बैक ऑफिस को हम लोग फॉलो करेंगे। रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग, रेगुलेटेड जैसा कि देखिए एवरी मंथ हम लोग को पूरा क्लियर जो लोग मतलब क्लोज्ड मीटिंग का एलिजिबिलिटी रखते हैं वो लोग को पूरा ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग डिजिटल फाइनेंसिंग रिपोर्ट मिलता है रेगुलेटेड। अभी देखिए धीरे धीरे हम लोग एसएससी में रजिस्टर्ड हो गया कि धीरे धीरे हम लोग रेगुलेटेड हो गया है। सीआरयू वैल्यू ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन एसेट, क्योंकि हम लोग जैसा कि स्पेकुलेटिव टाइप का सीआरयू वैल्यू नहीं बढ़ता है, सीआरयू वैल्यू बढ़ता है बिकॉज उसका अंडर जो एसेट है जैसा मैं दिखाया प्रीवियस स्लाइड में आज 477 मिलियन डॉलर का पोर्टफोलियो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में है उसमें, तो उसी एसेट का ऊपर ये प्राइस बढ़ते जा रहा है जो कि आपको हमारा सीआरयू का ग्रोथ हो रहा है। पॉसिबिलिटीज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सीआरयू इन ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग, जो कि धीरे धीरे अभी आने वाला है, आप देखते रहिए कैसा सीआरयू का क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम नेक्स्ट स्टेज में डब्ल्यूसीआरयू बनके कैसा एक वर्ल्ड लेवल में एक ग्लोबल एक इंटरनेशनल लेवल में एक ग्लोबल मतलब क्या हम लोग ब्रांड लेके अभी आ रहेंगे, अब तो धीरे धीरे न्यूज आ जाएगा मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो हाउ टू रजिस्टर, हम लोग कैसे इसमें एंट्री करेंगे एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर्स से, देखिए फर्स्ट स्टेप मेक फ्री रजिस्ट्रेशन, आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपका केवाईसी कर लीजिए जो भी टर्म्स कंडीशन है कंपनी का, और बिकम ए मेंबर ऑफ वीआईपी क्लब का मेंबर बन जाइए, देन आपका जो चूज द राइट वीआईपी आपका सक्षम से आपका जो आप डिसीजन लेते हैं उसी हिसाब से आपका वीआईपी जो एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल प्रोडक्ट जो मैं दिखाया उसमें ले लीजिए, देन टेक एक्शन एंड गो फॉर इट, आप उसमें एक्शन लेके आगे बढ़िए, ठीक है। सो अभी मैं थोड़ा हमारा जो लीडर्स हमारा जो व्यूअर्स है उन लोग के क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग लर्निंग विथ अर्निंग मतलब पढ़ने का साथ साथ
कुछ इनकम चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं थोड़ा वन दबाइए, मैं देखता हूँ कितना आदमी पढ़ने का साथ साथ भी इनकम चाहते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग को इनकम चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हमारा, हम लोग अभी ये जो एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, आप देखिए माँ, ये एजुकेशन ऐसा एक एजुकेशन है, ये एजुकेशन का साथ साथ आपको अर्निंग भी मिल रहा है। और आप मतलब आप तो एजुकेशन ले रहे हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन आप ले रहे हैं, और फाइनेंशियल एजुकेशन का साथ आपको अर्निंग, एक मतलब एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलता है। तो सब लोग को देखा, मैं चैट में सब लोग का बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आया कि सब लोग को अर्निंग भी चाहिए और लर्निंग भी चाहिए। सो देखिए, हम लोग कैसे अर्निंग करेंगे, ये जो शिक्षा है, ये जो एजुकेशन है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, इसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करके लाइफ में सक्सेस का तरह आगे जाएंगे, और कैसे हम लोग धीरे धीरे एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएंगे। देखिए, इधर दो चीज ऑलरेडी दिया है, मल्टी लेवल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस। मल्टी लेवल बिजनेस में क्या मिले, एक्सेसिबल टू ट्रेनिंग, आप लोग को पूरा बेहतरीन लीडर से ट्रेनिंग मिलता है। होम बिजनेस, हम लोग को देखिए, आज कोरोना पैंडेमिक हो गया, हम लोग घर बैठ के जूम, आज देखिए हम लोग जूम में मीटिंग कर रहे हैं, तो घर बैठ के सब लोग आज कुछ कंट्री कुछ स्टेट में अभी धीरे धीरे अनलॉक हो गया है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में ज्यादा अनलॉकिंग और ओपनिंग्स और फिजिकल गैदरिंग्स हुआ नहीं। आज देखिए हम लोग घर बैठ के हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग का पोर्टफोलियो भी ग्रो हो रहा है, एवरीथिंग स्मूथली चल रहा है। आप अपना ओन डायरेक्टर, एक स्क्रैच आप, आपका ओन एम्प्लॉय भी है, वो ओन डायरेक्टर भी है, आप वर्क ऑनलाइन, ऑनलाइन में आप जैसा कि फिजिकल अभी नहीं है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं, एवरीथिंग स्मूथली चल रहा है। एक अनलिमिटेड रेवेन्यू, अनलिमिटेड रेवेन्यू मीन्स व्हाट, आपको आप जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता जा रहा है, आपको जो बोनसेस आपको इनकम आता रहा है, उसमें कोई फिक्स्ड नहीं है। एवरी ईयर एवरी मंथ आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके करके, आप इसमें एजुकेशन लेके जो पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, आप देखेंगे कैसा आपका इनकम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस, ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है, आप घर बैठ के पूरा इंटरनेशनली आप काम कर सकते हैं, आप किसी भी कंट्री में किसी भी आदमी को आप ये एजुकेशन सिस्टम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम, हमारा जो ड्रीम्स है, ड्रीम्स को हम लोग रियलाइजेशन कैसे करेंगे, ये एजुकेशन लेके हम लोग अपॉर्चुनिटी टू अर्न मिलियंस इन 12 to 60 months, 1 year से 5 years लेके टू एक मिलियन अर्न कर सकते हैं। मैं तो ऑलरेडी ये एजुकेशन लेके बहुत सारा पोर्टफोलियो बना लिया इसी प्रोग्राम का अंदर, इसी एजुकेशन लेके, नो प्रॉब्लम। आप सब लोग भी धीरे धीरे बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए, क्योंकि ड्रीम्स को रियलाइजेशन करने के लिए आपको, मतलब जैसा कि कुछ कुछ, जैसा मैं एक स्टोरी देखा था कि क्या है ना, हमारा जो इनकम है, इनकम तो जैसा फास्टली मैं बोला कि एक लिमिटेड रहता है, और हमारा ड्रीम्स और जो क्या है बेसिक नीड्स, वो जहाँ ज्यादा रहता है, तो आप धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग लियबिलिटी में चला जाता है। सो इसमें क्या होगा, आप एक सेपरेट एजुकेशन लेके आप जो पोर्टफोलियो बनाएंगे, उसमें धीरे धीरे एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम लेके आप आपका जो ड्रीम है, जो मतलब क्या बोलते हैं, आपको स्वप्न है, स्वप्नों को साकार कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बिजनेस, हम लोग को इन्वेस्टमेंट कंसल्टिंग ट्रेनिंग मिलता है, ओनरशिप मिलता है, जैसा कि मैं आप लोग देखा है कि बाय एजुकेशन आपको सीआरयू का हिसाब से आपको मार्केट का ओनरशिप मिला, आपका अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर कैपिटल क्विकली, कैपिटल जैसा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा पोर्टफोलियो है, हम लोग का कैपिटल आप धीरे 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 क्विकली ग्रो हो जा रहा है। एसेट मैनेजमेंट, हम लोग आपका एसेट को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट एसेट $1 million इन 24 to 60 months, मीन्स 2 years लेके 5 years से हम लोग बना सकते हैं। और आप प्रेस्टीज, जैसे कि देखिए सोशल रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज आपको कैसे मिलेगा, आप उसी लेवल को सपोज जब आ जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आदमी और सोसाइटी
सोसाइटी आपको धीरे धीरे प्रेस्टीज और सोशल रिकॉग्निशन देना शुरू करेगा ना। प्रॉब्लम देखिए, आवर अचीवमेंट क्या है सिंस 2014, हमारा पास 7,50,000 प्लस एक्टिव पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड में है। हम लोग 176 प्लस कंट्रीज में काम करते हैं और 71 अचीवर्स इन प्रेसिडेंट रैंक हमारा है, जो हाईएस्ट रैंक है प्रेसिडेंट, तो 71 प्रेसिडेंट्स है। वी स्पीक 11 लैंग्वेजेस, अभी तो बढ़ गया 13 लैंग्वेजेस हो गया है। और ये जो यूनिट्स $96 मिलियन हम लोग ऑलरेडी बोनस के हिसाब से दे दिया है। वी अचीव्ड 15 लाख प्लस अप्रोक्सीमेटली रजिस्ट्रेशन ओवर 5 इयर्स और 9,995 पर मंथ, 666 पर डे, 27 पर आवर, 1 रजिस्ट्रेशन पर मिनट, पर 2 मिनट्स। ये इसी तरह हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, हमारा जो कम्युनिटी धीरे धीरे आगे जा रहा है। देखिए, ये जो MLCI बिजनेस बा मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग का जो बिजनेस है, जो मैं आपको दिखाया, उसमें आपको क्या मिलता है, उसमें एडवांटेजेस क्या है। बिजनेस फ्रॉम होम, जो मैं आपको बताया, योर ओन, आप खुद आपका बॉस है। स्टार्ट योर इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, ये एक बहुत बढ़िया है। आप किसी बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस सोचेंगे तो आपके पास उतना कैपिटल चाहिए। आप कैपिटल नहीं है तो आप ये MLCI अंडर में घुस जाइए स्क्रैच से, फ्रॉम स्टार्टिंग जीरो से। आप देखेंगे आपका कैपिटल, आपका पोर्टफोलियो आपको ही पैसा बना के देगा। आप एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन, जैसा मैं दिखाया कि विद इन 5 ईयर का अंदर आप बन जाएंगे। धीरे धीरे आप कैपिटल भी हो जाएगा, आपका एसेट भी ग्रोथ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अनलिमिटेड अर्निंग्स पोटेंशियल, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, ये तो आप लोग देखे हैं। यूनिक बिजनेस मॉडल, ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस मॉडल है। मैसिव लीवरेज ऑफ अक्रॉस एंटायर द नेटवर्क, मैसिव लीवरेज, नो लिमिटेशन ऑफ इनकम, मैसिव लीवरेज ऑफ एसेट। ये देखिए, ये एजुकेशन लेके हमारा, जैसा इंडिया में एक एम्बेसडर कमिटी डिक्लेयर किया है इवेंट में, 4 आदमी, हमारा राजेंद्र सर है, सचिकांत सर है, वो लोग मणिपुर से बिलोंग करते हैं, हमारा अरविंदर सर है, आपको सब लोग को मालूम है, इंडिया का डायरेक्टर है, और ध्रुव सर है, जो कि हमारा मास्टर ग्रुप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और BAPI एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। ये सब देखिए कैसे एजुकेशन लेके आज सक्सेसफुल इंटरनेशनल लेवल में काम करते हैं। तो आप लोग भी इसी लेवल पे, जैसा कि मैं अभी धीरे धीरे एक रीजनल काउंसिल का मेंबर हूँ, तो आप सब लोग, आप देखा कि हमारा लीडरशिप काउंसिल का मेंबर है, ये एजुकेशन लेके फ्रॉम स्टार्टिंग जीरो से आज पूरा मार्केट लीडर, आज मार्केट में एक जाना सुना चेहरा बन गए। देखिए कैसे आप प्रोजेक्ट में एंट्री करेंगे, सेम स्टेप बताया है, रजिस्टर, वेरीफाई, पार्टिसिपेट एंड देन इम्प्लीमेंट योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए हमारा जो मिशन है, मैं तो स्टार्टिंग में ये मिशन का बारे में थोड़ा सा हिंट्स दिया था। हमारा जो मिशन है, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का न्यू आर्थिक विकास, कैसे हम लोग 15% पीपुल को एजुकेट करके फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। न्यू इकोनॉमिक, विश्व का आर्थिक विकास, जैसा कि 10% कैटेगरी का आदमी और 10% अभी मतलब क्या है, रिचेस्ट और रिच है और कैपिटलिस्ट है, हम लोग कैसे एजुकेशन लेके कि वही कैटेगरी को हम लोग एंट्री करेंगे, वो हमारा मिशन एंड विजन है, जो अंडर सरकार मिशन एंड विजन है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ हैज मतलब क्या है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ नहीं है, जो 90% कैपिटल आज, 10% का, 10% पॉपुलेशन का पास आज है, कैसे हम लोग उसको ग्लोबली धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और धीरे धीरे ट्रेनिंग देके आदमी को ये वो लेवल को एंट्री करेंगे, ये हमारा मिशन है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन और हेल्प टू अदर्स, हमारा कैसे हम लोग दूसरों को हेल्प करेंगे। प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स, सब लोग को हम लोग साथ साथ लेके, कम्युनिटी को लेके हम लोग जाते हैं। हमारा कम्युनिटी, जो न्यू कम्युनिटी है, वो एक जैसा कि एक वर्ल्ड में बेस्ट कम्युनिटी बनेगा और बेस्ट क्या फाइनेंशियल फ्रीडम टीम बनेगा, यही हमारा मिशन एंड विजन है। सो ये हमारा 3 पिलर्स ऑफ न्यू है, जो कि एजुकेशन, को ओनरशिप एंड बिजनेस। आप इधर एजुकेशन हम लोग लेते हैं, को ओनरशिप हम लोग फ्री में मिलता है, जैसे आप लोग को मिला है
सीआरयू का हिसाब से को ओनरशिप आपको मिल गया, मतलब आपको एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम, एक पोर्टफोलियो, एक एसेट बन गया है। देन बिजनेस, बिजनेस इज ए ऑप्शनल थिंग, जो लोग आते हैं वो बिजनेस करते हैं, वो एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनते हैं, वो उन लोग का जो मंथली इनकम, जो सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम को वो धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई करके जाता है। सो यहाँ पे हर टाइप ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग और फाइनेंशियल एजुकेशन सब मिलते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे वो एजुकेशन लेके हमारा लाइफ में उसको लेके हम लोग सक्सेसफुल और सक्सेस होते हैं। ये है हमारा 3 pillars ऑफ न्यू। देखिए ये हमारा स्ट्रेटेजी काउंसिल है, जो हमारा सीईओ द ग्रेट मिस्टर एंड्रे सर है, और मिला मैडम है, आपका ऑर्मंड मुनिस सर है, ड्रैगो संचु सर है, एंड्रे हॉक सर है। सो ये हमारा स्ट्रेटेजिक काउंसिल है, जो जैसे कि इवेंट में ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है, सब लोग को मालूम है। नाउ व्हाट विल बी योर डिसीजन, अभी मैं जैसा डिटेल आप लोग को डिटेल एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग का डिसीजन क्या है? तो आप लोग हमारा जो कम्युनिटी है, हमारा जो लाइक माइंडेड पीपुल्स है, ये न्यू कम्युनिटी है, ये न्यू कम्युनिटी का साथ आना चाहते हैं, तो कितना लोग आना चाहते हैं, थोड़ा चार्ट में 1 दबाइए। कितना लोग ये न्यू कम्युनिटी का साथ, ये हमारा जो मिशन एंड विजन का साथ आना चाहते हैं, प्लीज। यस, बहुत बढ़िया, बहुत सारा सब लोग आना चाहते हैं। देखिए व्हाट विल बी आपका डिसीजन, आते हैं तो क्या मिलता है? देखिए फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम आपको मिलता है, बी पार्ट ऑफ लाइक माइंडेड कम्युनिटी। लाइक माइंडेड कम्युनिटी क्यों? देखिए मैं छोटा सा, ये मेरा आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, इसमें मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको जो टारगेट है, आपको जो टारगेट को फुलफिल करने के लिए आपको व्हाट इज योर टारगेट एंड हाउ टू अचीव इट एंड व्हाट इज द टाइम टू अचीव इट। ये आप टारगेट जो आप सेटअप करते हैं, तो आपको 3-4 चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरा जो पर्सनल फीलिंग्स है, मैं देखिए मेरा एक विल पावर होना चाहिए, विल, स्किल, नॉलेज एंड स्ट्रेटजी। विल पावर होना चाहिए, स्किल लेना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसी फील्ड में, और आपको स्ट्रेटजी बना, मतलब उसी लेवल को जाने के लिए स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। देखिए हम लोग आज फाइनेंशियल फ्रीडम बा एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम लेने के लिए, हम लोग को जब हम लोग विल पावर, हमारा जो कम्युनिटी है, जो न्यू का कम्युनिटी है, ये पूरा लाइक माइंडेड पीपुल, ये सब लोग का विल पावर इतना स्ट्रांग है, सो आप सपोज इसमें जुड़ जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली विल पावर, जैसा कि हम लोग बढ़ते हैं ना, कि एक जो बच्चा और जो भी बढ़ता है, एक एनवायरमेंट उसमें बहुत सारा रोल भी प्ले करता है। इसी टाइप का ये जो लाइक माइंडेड कम्युनिटी, हमारा न्यू कम्युनिटी है, आप उसमें जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप नेगेटिव, जितने भी नेगेटिव है आप जब देखेंगे ना, आपका विल पावर स्ट्रांग। हमारा देखिए जितना जो बेहतरीन लीडर है, आप हमारा हरविंदर सर है, हमारा ध्रुव सर है, प्रवीण सर है, और हमारा जो हम लोग का रीजनल ट्रेनिंग को, रीजनल ग्रुप को हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं जबर सर, जैसा कि कितना एज्ड है, बहुत उन लोग का एनर्जी देखिए, कैसे वो लोग 12 बजे तक भी मतलब जाके हम लोग को वो ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो माइंड, जो क्या है, विल पावर है, आपको एक पॉजिटिव विलनेस, एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगा तो किसी भी काम को रोकने के लिए कोई और मतलब हर्डल्स, जैसा कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, आप सपोज इच्छा शक्ति बढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो स्किल, यहाँ पे जो टीम है बहुत टैलेंटेड की टीम है, तो मेरा मानना यही है कि जो हम लोग को 4 चीज चाहिए, विल, स्किल, नॉलेज एंड स्ट्रेटजी, हर चीज ये कम्युनिटी से मैं एक्चुअली फील किया कि ये जो लाइक माइंडेड कम्युनिटी है, ये जो न्यू कम्युनिटी है, ये न्यू कम्युनिटी से ये 4 चीज मेरे को मिला, विल मिला, विल पावर मेरा स्ट्रांग हुआ, स्किल मिला। आज देखिए मैं स्किल भी हम लोग को मिलता है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन भी मिलता है, नॉलेज भी मिलता है, और स्ट्रेटजी भी दिया जाता है, कैसे आपका जो टारगेट है उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो ये जो लाइक माइंडेड कम्युनिटी है,
आप उसमें जुड़ जाएंगे, ये चार चीज बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा आपको सक्सेस को टारगेट, और आपको टारगेट को हिट करने के लिए कोई भी मेरा ख्याल से तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। और लास्ट है एबिलिटी टू क्रिएट एसेट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू लीव ए लिगेसी। सो ये आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम देता रहेगा जो आप लाइफ में एक यस ये लास्ट लाइट है सॉरी लाइफ में आप फाइनेंशियल फ्रीडम का तरफ आगे जाएंगे। और जाने से पहले मैं और एक चीज थोड़ा सा, हमारा जो व्यूअर्स है, हमारा जो कम्युनिटी है, मेरे से भी बहुत सीनियर्स लीडर्स है, मैं सबको एक छोटा सा मेरा जो पर्सनल फीलिंग है, मेरा जो मेरे पास में एक बहुत बड़ा लीडर से थोड़ा सा गेन किया था कि थ्री मैजिक वर्ड जो कि हमारा लाइफ को वो चाहेगा तो मतलब क्या मैनिपुलेट कर सकता है, आप और वो तीन चीज और वो तीन वर्ड आप उसको कैप्चर में लेके आएंगे तो आप आपका लाइफ में एक बेहतरीन सक्सेस लीडर और बेहतरीन सक्सेस पर्सन बन सकते हैं। जो तीन चीज है मैं आपको बोल देता हूँ। फर्स्ट है फियर, ये चीज से आप थोड़ा सा दूर रहिए। फियर होने से क्या होता है कि लाइफ में इनडिसिशन आता है, आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं और आपका डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आता है। देन डिसीजन लेने में प्रॉब्लम जो आता है ना, आप डाउट में आ जाता है। सो फियर, इनडिसिशन, देन डाउट, देन जब डाउट आता है देन अगेन फियर आ जाता है। तो ये जो गोल चक्कर है, ये गोल चक्कर में आप मत पड़िए, आप एक स्ट्रांग डिसीजन लीजिए, आप एजुकेशन लीजिए, क्योंकि एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी और बेस्ट थिंग जो आपको ये तीन चीजों को मतलब तीन चीजों से निकाल के बाहर लेके आएगा, जो आपको एक सक्सेसफुल और एक क्या ग्रेट बिजनेसमैन और ग्रेट लीडर बनने के लिए कोई भी नहीं रुक सकता है। सो थैंक यू सो वेरी मच प्रवीण सर और हरविंदर सर और ध्रुव सर जो हमारा इंडिया काउंसिल का मेंबर है, और सबको मेरे को धन्यवाद और सब व्यूअर को मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्रवीण सर विल प्लीज, ये आपका जस्ट वन मिनट में मेरा स्लाइड बंद कर देता हूँ। सो थैंक यू लीडर्स। सो मैं अभी ये फ्लोर प्रवीण सर बा हमारा जो नेक्स्ट लीडर है श्रीकांत जी को हैंड ओवर करता हूँ। श्रीकांत जी प्लीज, ये फ्लोर आपका है, आप अभी कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। रणाकर सर, आपका प्रेजेंटेशन सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज जो ब्रीफली बहुत एक्सप्लेन किया और सुनने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो गुड इवनिंग टू ऑल द मेंबर्स एंड पार्टनर्स जो ये जूम मीटिंग को देख रहा है। अगर आप मेरा आवाज सुन रहा है तो एक वन टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, मेरा आवाज अच्छा जो सुनाई दे रहा है। तो ओके थैंक यू। आप लोग एक्साइटेड है कि नहीं? जैसे कि रत्नाकर सर ने भी बहुत सारा चीज बहुत डिटेल्स में एक्सप्लेन किया। जो मैं एक्सप्लेनेशन करने से पहले, मेरे स्लाइड्स को शेयर करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी प्रेजेंटेशन हम लोग सुन रहे हैं, जो भी वेबिनार हम लोग कर रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड। हम लोग को माइंड में ऊपर डिपेंड करता है। जो अच्छा चीज डालेगा तो प्रोडक्ट में अच्छा चीज आएगा। अब नेगेटिव डालेगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव डालेगा तो पॉजिटिव आएगा। ये होता है जो नेचर का लॉ है। अगर दिमाग में अच्छा चीज लेने से आपका जो एक्शन होगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो अच्छा ही आएगा। आप अगर बुरा सोचने से, बुरा चीज लेने से आपका माइंड में जो प्रोडक्ट होगा, जो एक्शन होगा, रिएक्शन होगा, वो नेगेटिव ही होगा। सो विद अ पॉजिटिव नोट लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन। आप मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जो मैं आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा है वो है इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के बारे में मैं बात किया जाएगा।
यस गुड इवनिंग वंस अगेन. जैसे कि जो कंपनी का जो ऑफिशियल प्रेजेंटेशन था, क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो हम लोग का ओरिजिनल काउंसिल मेंबर रणकर सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लिया. जो मेरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, वो इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग. तो आज प्राइवेट इन्वेस्टर के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा. सेकेंडली कैपिटलाइजेशन सीक्रेट्स, कैपिटलाइजेशन क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा. और नेक्स्ट व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू लिव योर ड्रीम इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, इसके बारे में मैं बताऊंगा. तो मेरा मैं सेल्फ इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा. मेरा नाम है एम श्रीकांत सिंह. मैं अभी अभी इंडियन लीडरशिप काउंसिल का एक मेंबर हूँ और न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी में एक लीडर मैनेजर हूँ. और मैं क्रू क्लब का को-ओनर भी हूँ, VIP क्लब का भी मेंबर हूँ. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, इंटरनेशनल स्पीकर हूँ और मैंने मास्टर प्रोफिट ग्रेजुएट अकादमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से खत्म किया. यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेरा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट बेसिक ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक ट्रेनिंग है. इसके बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, या इन्वेस्टमेंट बारे में हो या कोई भी सेक्टर के बारे में, हम लोग को बेसिक रहना बहुत जरूरी है. जैसे कि जब हम लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू करता है, जब फ्लुएंटली बोलना शुरू करता है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करता है, ABCDEF जो अल्फाबेट लेटर है उसको बेसिक समझ जाता है, ग्रामर पढ़ना, ये सब बेसिक है. तो बिना बेसिक हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलता है. बिना बेसिक हम लोग इंग्लिश विदाउट प्रॉपर ग्रामेटिकल मिस्टेक हम लोग बोल नहीं सकता है. और हर चीज में बेसिक रहना बहुत जरूरी है. ये बेसिक हम लोग का फाउंडेशन होगा जिसमें से हम लोग एक अच्छी तरह फ्लो में हम लोग ले जा सकता है किसी के चीज पे ऊपर. सो हम लोग को इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है और इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक ट्रेनिंग है वो हम लोग को पता चलना पड़ेगा, हम लोग को दिमाग में डालना पड़ेगा. ओके, फर्स्ट 8 rules of private investor. 8 rules of private investor, ये रूल अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर ने बनाया था. ये 8 rules of private investor जिसमें से हम लोग को इम्प्लीमेंट भी करवाया गया है. तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड, हम लोग को ये 8 rules of private investor में assets versus liabilities बारे में समझना पड़ेगा. जो फर्स्ट रूल होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, और इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टिंग इसके बारे में पता चलना पड़ेगा. तो मैं फर्स्ट मैं ब्रीफली ये एक्सप्लेन कर देता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में एक एक चीज लेकर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में. और जो सेकेंड रूल होता है, ये होता है 5 commandments ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर. हम लोग को जो भी इनकम आता है इसमें से 10% सेव करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम लोग को इनकम कितना है, एक्सपेंडर कितना है, ये अच्छी तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा. और जो लॉसेस होता है उसको प्रोटेक्ट कर, हम लोग को पैसे कैसा प्रोटेक्शन करेगा, ये भी इन्वेस्टर के दिमाग में डालना पड़ेगा. और हम लोग को क्या करना है, लर्न करना है कैसे इन्वेस्ट करना. और जब भी लर्न करेगा हम लोग ज्यादा कमाने के लिए ही लर्न करेंगे. और नेक्स्ट फाइनेंशियल प्लान के बारे में बताऊंगा. डाइवर्सिफिकेशन, मेंटेन इन्वेस्टर डिसिप्लिन, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्वेस्टर डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका रीजन भी मैं बताऊंगा अगली स्लाइड्स पे. डोंट बी ग्रीडी एंड लेजी, ये अगर स्वतः समय में जो क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, जो कम ड्यूरेशन में अगर ज्यादा पैसा कमाना है, कम ड्यूरेशन में अगर अमीर होना है, तो वो हो ही नहीं सकता. और अगर आपको प्राइवेट इन्वेस्टर बनना है, आपको एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना है, जैसे बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, आप तो ये दोनों चीज निकालना पड़ेगा. जैसे डोंट बी ग्रीडी एंड लेजी, अलसी होना और ग्रीडी होना सबसे बुरा चीज है. और ये सब चीज against the 8 rule of private investor है. ये सब चीज पहले निकालना पड़ेगा. और इन्वेस्टिंग के बारे में हम लोग को लर्न करना पड़ेगा. इन्वेस्टिंग एक ही बार, जैसे कि आप लोग EIP क्रू इन्वेस्ट कर लिया, इससे हम लोग का जो एजुकेशन है स्टॉप नहीं करना है. जैसे कि मैंने क्रू का पोर्टफोलियो बनाया, जैसे खत्म, क्रू का पोर्टफोलियो बनाया है, अभी खत्म, अभी कुछ नहीं करना है, कम करना है. हम लोग जो सीखना है इन्वेस्टमेंट के बारे में वो कभी स्टॉप नहीं करेगा. और मैं क्यों नहीं करेगा उसके बारे में भी बताऊंगा. और 8 rules, जो 8 rule है, ऑलवेज लर्न टू इंक्रीज योर इनकम. जब आप कुछ पढ़ेंगे, आप कुछ जब कुछ दिमाग में डालेंगे, हमेशा कुछ कमाने के लिए, धन तरह से कुछ कमाने के लिए हम लोग लर्न करेंगे. यस,
रूल वन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको इन्वेस्टमेंट का बारे में अच्छी तरह जाना है, आपको एक प्राइवेट इन्वेस्टर बनना है, आपको एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना है, आपको वॉरेन बफेट जैसा एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है खुद का, तो ये टर्मिनोलॉजी याद करना और उसका असली मीनिंग पता करना बहुत जरूरी है। ये मीनिंग पता करने में आपको कौन सा इन्वेस्टर बनना है, कैसा पोर्टफोलियो बनाना है, ये डेफिनेशन के ऊपर आपको डिसीजन लेना है। नंबर वन, फाइनेंशियल फ्रीडम वर्सेस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, उसका बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। यस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक चीज होता है, जैसे कि आप पकड़ लो मेरा पास एक एसेट्स है, इस एसेट्स का जो 10 साल में इस एसेट्स $10,00,000 कमा के मेरे को दे सकता है, मतलब $10,00,000 से अगर 10 साल तक मेरा घर का खर्चा, मेरा सारा सब कुछ 10 साल के ऊपर सब जो मेरा अभी करेंट एसेट्स है सब फुलफिल करेगा आप, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मतलब ये 10 साल में आप किसी को ना पैसे मांगेंगे ना किसी को डिपेंड करेंगे, पर ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस 10 साल के लिए होगा, क्योंकि जो तुम्हारे एसेट्स है जो तुमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सकता है, जो तुमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब आपको दूसरा से डिपेंड नहीं करके आपको जीना है, उसका जो ड्यूरेशन है उसका जो वैलिडिटी है वो 10 साल के लिए है। पर 10 साल आप किसी से मांग के नहीं लेंगे, आप किसी से आपका जितना भी लाइबिलिटीज है, जितना भी एक्सपेंसेस है, और नॉट लाइबिलिटीज, जितना भी एक्सपेंसेस है आपका पूरा किया जाएगा, इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। Financial independence defined by the current assets a person has. It is a situation where a person can cover monthly expenses and live like that for 10 consecutive years. जैसे कि मैंने आपको बताया। और financial freedom क्या होता है? Financial freedom ये होता है कि आपके पास जो assets है, उसका जो passive income होता है, जो उसका income उसके जो निकलता है, वो 10 साल या 20 साल के लिए नहीं होगा, बहुत ज्यादा साल के लिए होगा। तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा वे में जाना है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम जाना है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जाना है, आपको कौन सा एसेट्स पसंद है, जो एसेट्स आपको 50, 60, 70, 80 आपको 300 इयर्स का जो इनकम दे सकता है, आपको आपका जो ग्रैंड चिल्ड्रेन है वो लोग भी रिसीव कर सकते, वैसा एसेट चाहिए, या आपको 10 साल या 20 साल के लिए जो इनकम देता है आपको वो कौन सा एसेट चाहिए, ये डिसीजन आपको होगा। तो जैसे कि हम लोग का सीईओ एंड्रयू होबर्टोफ सर ने बताया कि जो अभी हम लोग फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं, जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर जो फाइनेंशियल प्लान बना रहा है, वो ये 300 इयर्स का फाइनेंशियल प्लान बना रहा है, जिसका मतलब हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का और उसका डिरेक्शन में जा रहे हैं, उसको वे में जा रहे हैं। अगर सोचो आपको EIP क्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको जैसे कि इंश्योरेंस करना है, जैसे कि 10 साल के लिए इंश्योरेंस करना है और आपको एक सम अमाउंट मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड समझ लो, पर जो म्यूचुअल फंड में जो आपका मैच्योरिटी के बाद जो अमाउंट मिलता है ना, वो कुछ सालों के लिए होगा, कुछ सालों के लिए आपका लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकेगा, कुछ सालों के लिए आप विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स आप जी सकेगा, पर कुछ सालों के बाद आपका उस टाइम फिर कुछ नहीं होगा। और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो EIP क्रू का जो एसेट्स होता है, ये आपको 300 इयर्स तक आपको पैसिव इनकम देगा, आपका जेनरेशन जेनरेशन इस इनकम से आपको अच्छी तरह से एक स्टेबल लाइफ, एक फाइनेंशियल फ्रीडम का लाइफ में जी पाएगा। यही डिफरेंस है, ये डिसीजन आपको लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, यस हम लोग जैसे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का मीनिंग अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एसेट्स क्या होता है? एसेट्स जो चीज होता है जो आपको इनकम जनरेट करके दे सकता है वो एसेट्स होता है। लाइबिलिटीज जो होता है जो आपका एक्सपेंसेस है, जो आपका आपसे पैसे जा रहे हैं, जैसे कि आपको आप समझ लो मेरे पास 2 कार है, वैसे 1 कार होना कोई बात नहीं, 2 कार हो गया, तो जो 2 कार है
जो सेकेंड कार है मैं क्या कर रहा है, मैं घर पे ऐसे ही पड़ा होकर रख रहा है, यूज नहीं कर रहा, तो वो मेरा क्या बन गया, वो मेरा लाइबिलिटीज बन गया। अगर वो सेकेंड कार जो मैं अगर मैं ओला के लिए या उबेर के लिए बुक करके किसी को चलाने दिया तो वो इनकम जनरेट हो तो उसका मतलब वो एसेट्स बन जाएगी। और लाइबिलिटीज जो होता है आपका जो एक्सपेंसेस, आपसे जो पैसे जा रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फाइनेंशियल प्लान होता है, आपका जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है इसके ऊपर में भी बेस करेगा। आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, आप किस चीज से कितना इनकम कर रहे हैं, कि आपको भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकम भी तो चाहिए, इनकम जनरेशन भी तो चाहिए। ऐसा नहीं कि आई विल कीप ऑन स्पेंडिंग, ऐसा नहीं कि मैं मनी स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे को इनकम भी तो चाहिए। जो अगर मेरे पास सैलरी आया है, सैलरी आया में मैं एसेट्स में इन्वेस्ट करना है या लाइबिलिटीज में ज्यादा भार डालना है, ये आपका डिसीजन। इसलिए एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो फर्क है समझना बहुत जरूरी है। ऐसे है प्राइवेट इन्वेस्टर। यस, इधर में इन्वेस्टमेंट टूल्स, यहाँ पे हम लोग का जो मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स है जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम यूज कर सकते हैं। वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो इतना क्यों बड़ा बना, अगर वो एक सेक्टर में डिपेंड किया, या हम लोग का EIP क्रू, जो क्रू का पोर्टफोलियो है इतना क्यों बड़ा बना। अभी इतना रनाकर सर ने बोल दिया है हम लोग को अभी $477 मिलियन वर्थ है, क्यों। और हम लोग जो वॉरेन बफेट का जो बर्कशायर हैथवे अभी $3 लाख पर शेयर है, क्यों, ऐसा क्यों बड़ा, क्योंकि उसने डाइवर्सिफाई किया, उसने सारा जो भी इन्वेस्टमेंट टूल्स है यूज किया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकता है बैंक डिपॉजिट्स, आप लोगों को जैसे कि बैंक डिपॉजिट को नेगेटिव माइंडसेट भी हो सकता है, पर अगर इन्वेस्टमेंट में अगर माहिर होना है तो रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज याद रखना है, जैसे कि अगर सोचो कोई भी पर्सन मेरे को एक प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच कर रहा है, वैसे नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, नॉर्मली इंडिया में क्या होता है कि लोग प्रोजेक्ट अप्रोच करेगा तो उसके बारे में मैं पहले प्रोजेक्ट ये पैसे कैसा कमा रहा है या किस ऊपर में बेस कर रहा है, ये हम लोग को पूछने का मन नहीं करता है। हम लोग को पूछने का क्या मन करता है, कितना पैसा मिलेगा, कब से मिलना स्टार्ट होगा, ये हम लोग को फर्स्ट स्टेप होगा। हम लोग जो इंडियन का जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट है, ये मैं नॉर्मल पीपल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वैसे जो एकेडमी और प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो गया उसमें तो अभी तो सारा कुछ अभी दिमाग में आ गया। जो नॉर्मल जो इंडियन पीपल होता है, जो नॉर्मली, वैसे भी आई एम वन ऑफ देम, मैं सबसे जब पहले API में नहीं मिला था तो मैं भी एक था, तो उस टाइम क्या होता है कि हम लोग वो चेक नहीं करता है कंपनी कैसा काम करे, कंपनी का ट्रांसपेरेंसी लेवल कितना है, कंपनी किस चीज से कितना कमा के दे रहा है, जो प्रॉफिट कमा के देकर बोल कमा कर हम लोग को देने के लिए बोल रहा है वो लॉजिकली हो सकता है कि नहीं, ये हम लोग नहीं सोचते। हम लोग सोचते हैं पैसे कब मिलेगा, कितना मिलेगा। और नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखता है, मेरा ये प्रोजेक्ट मेरा दोस्त ने कर लिया, इसको पैसे मिल गया, इसको मिल गया, तो एक दो मिल गया, भाई मेरे को तो मिल गया, ये वैसे पैसा मिल गया और मैं ब्लाइंडली उसमें इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि इसको भी मिल गया पैसे, इसको भी मिल गया, मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगी नहीं, इसको भी मिल गया तो हम मेरे को भी मिलेगा, ये सबसे रॉन्ग स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट का। दूसरा आदमी जो बात बोलता है वो सुनना अच्छी बात है, सुनना चाहिए, दूसरा से जो एडवाइस मिलता है या सजेशन मिलता है सुनना चाहिए, पर आपका जो प्राइवेट इन्वेस्टर का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, वो तो भूलना नहीं चाहिए। आपको देखना है ये कंपनी कैसे पैसे कमा कर दे रहा है, ये कंपनी कैसा ऑपरेट करता है, ये कंपनी किस तरह का ट्रांसपेरेंसी लेवल दिखाता है हम लोग को, ये सब चीज हम लोग को दिमाग में डालना पड़ेगा, तभी हम लोग को पैसे नहीं डूबेगा, तभी स्कैम कंपनी हम लोग को बुलबक में उल्लू नहीं बना सकेगा, अगर ये चीज हम लोग दिखाया था। अभी तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि ये सारा इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आप एंटिक्स, यहाँ पे एंटिक्स है, एंटिक्स के बारे में भी थोड़ा रिसर्च कीजिए, क्योंकि एंटिक्स जो होता है
जो पुराने चीजों होता है, जो पुराने चीजों होता है जैसे कि 1972 1980 में जो पुरानी चीज होता है उसका वैल्यू जितना पुराना होगा उसका वैल्यू बढ़ते ही जाएगा। जैसे कि हम लोग रिसर्च करना पड़ेगा ये सारे, जो अभी हम लोग का जो अभी वेबिनार देख रहा है आप समझ लो इसका बारे में नहीं जानता है, ठीक है, आज पता चल गया ना, आज से शुरू करो। अगर मैं 50 साल में ये एजुकेशन मिल रहा है तो हम लोग के लिए लकी है, हम लोग रिग्रेट नहीं कर रहे हैं अभी मैं बुरा हो गया, मैं 50 इयर्स हो गया अभी क्या करना है, ये सब नहीं करना है यार, ऐसा मत सोचिए। अच्छी जिंदगी जीने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए आप एज मैटर नहीं करता है आपको। जैसे कि वॉरेन बफेट कब सक्सेसफुल, बहुत लेट मोमेंट सक्सेसफुल हुआ वॉरेन बफेट। तो ये सब सेक्टर में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट बनाना है। और वैसे मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जितना भी इंस्ट्रूमेंट है हम लोग को क्रिप्टो यूनिट पोर्टफोलियो बनाने में भी यूज किया है, हम लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया है, हम लोग प्रीशियस मेटल जिसमें डायमंड और गोल्ड आएगा इसमें भी इन्वेस्ट किया है, स्टॉक्स फ्यूचर बॉन्ड इन्वेस्ट किया है, मीडियम स्मॉल बिजनेस इन्वेस्ट किया है, इंश्योरेंस कंपनी भी, हर कोई इंस्ट्रूमेंट है या हम लोग ने यूज किया है और बढ़िया से पोर्टफोलियो बनाया। और जैसे कि रत्नाकर शाह ने बताया हम लोग डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जैसे मैं अभी और बता रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, रिस्क डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा तभी हम लोग को मुनाफा पाएगा। अगर एक चीज में सब कुछ रिस्क ले रहा है तो बहुत ज्यादा रिस्क है, पर वो काम नहीं चलेगा तो खत्म। अगर बहुत सारा डाइवर्सिफाई करने से एक भी नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, पांच चलेगा। So, moving on to the next slide. Yes, ये topic मेरे खास ये topic मेरे को बहुत interesting लगा, investing versus investment, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। Investing क्या होता है? Investing ये चीज होता है कि आप जब पैसे invest करता है कुछ assets, investing मतलब assets या shares या bonds जो invest करता है उसको आप stop नहीं करता है, आप investing करता ही रहता है। जैसे कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, मैं इन्वेस्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो मैंने फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, ये होता है इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टमेंट एक होता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि एक बार मैं इन्वेस्टमेंट कर लिया मैं उसके बाद कंटिन्यू ही नहीं करेगा, मैं एक चीज को इन्वेस्टमेंट कर लिया रख दिया, उसका जब प्रॉफिट आएगा मेरे को मिल जाएगा, ये होता है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टिंग होता है एक कंटिन्यू प्रोसेस, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये आप यहाँ पे देख सकता है, यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, यहाँ पे जो ट्री का जो क्या बोलता है, जब छोटे समय में जो होता है ये बहुत छोटा है माउंट है, अभी कैसे बढ़ता जाता है ये आपको देखना पड़ेगा, ये इन्वेस्टिंग में सिखाया जाता है। और इन्वेस्टिंग का एक चीज बोलना चाहता हूँ, इन्वेस्टिंग और रिस्क गो हैंड इन हैंड, मतलब आप ज्यादा रिस्क ले रहा है तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, आपको कम रिस्क मिल रहा है तो कम रिटर्न मिलेंगे। जैसे कि इन्वेस्टिंग में एक चीज होता है, अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्लू चिप स्टॉक जो होता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका बहुत बड़ा होता है, जो उस इंडस्ट्री में वो माहिर है, वो नंबर वन होता है ब्लू चिप स्टॉक्स, तो उसमें क्या होता है उसका जब उस चीज में इन्वेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली आपका रिस्क तो लेस होगा, रिस्क लेस होगा मतलब वो कंपनी तो सब हर कोई पता है ये कंपनी अच्छा खासा कमा रहा है, उसका ऑलरेडी उसका जो वैल्यू है ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो आपका पैसे खोने का रिस्क लेस भी है, आपका जो रिस्क ले रहा है वो लेस है, तो ऑब्वियसली अगर लेस रिस्क ले रहा है तो आपको लो रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आप समझ लो मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मिड कैप जो होता है जो $50 million से नीचे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो मिड कैप होता है, तो उसके हिसाब से जो मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे कि SBI कार्ड रिसेंटली IPO लिस्ट किया था वो मिड कैप के अंदर में आता है, तो उसमें क्या हुआ SBI कार्ड पेंडेमिक में उसने जब IPO लिस्ट हुआ था 750 या 55 में लिस्ट हुआ था, और पेंडेमिक में क्या हो गया 430 तक लो चला गया, ऑल टाइम लो 430 तक चला गया। तो यहाँ पे आप कौन सा चीज लगाना है, आपको पता है SBI कार्ड जो चीज होता है ये बहुत ब्रांड वैल्यू, उसका ब्रांडिंग वैल्यू सबसे बड़ा चीज होता है। SBI जो होता है इंडिया में अगर विश्वास बैंक में जो विश्वास करता है सबसे SBI विश्वास करता है, और जब सबसे बड़ा बैंक लार्जेस्ट बैंक तो SBI है, तो उस टाइम में आपको जो रूल्स आपको API में जो सिखा रहा है, जैसे कि अगर
एसबीआई कार्ड पेंडेमिक के टाइम में क्यों गिर रहा है? क्योंकि मॉल्स बन रहे हैं। एसबीआई कार्ड जो होता है, जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इश्यू होता है, उन लोगों का इनकम कहाँ से आता है? जब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज किया जाएगा। ड्यू टू पेंडेमिक सारा लॉकडाउन की वजह से मॉल नहीं खुला है, कुछ भी नहीं खुला है, ऑब्वियसली उसका जो इनकम है लेस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर का माइंडसेट में वो लेस हो जाएगा, इसी स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू भी गिरेगा। तो उस टाइम पर एसबीआई कार्ड जो होता है, उसका जो एसबीआई कार्ड होता है वो आईपीओ खराब वाला आईपीओ नहीं है, वो सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिटर है। तो उसका मतलब ये पेंडेमिक के वजह से गिर रहा है। तो उस टाइम में हम लोग क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है? वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब जो अच्छा स्टॉक है, जो आप प्रोमिसिंग स्टॉक है, आपको फ्यूचर में दिखता है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसमें आप लो प्राइस में कैप्चर करेगा। और अभी एसबीआई स्टॉक 950 से भी ऑल टाइम हाई चला गया था, अभी 800 समथिंग चेक कर रहा है, तो उसके बाद 450 से लेके आपको कितना प्रॉफिट हो गया देख। यही होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाए तो इन्वेस्टमेंट कर गया तो मैं एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे एक चीज के ऊपर मैं कंटिन्यू नहीं करेगा। और इन्वेस्टिंग ये कंटिन्यूड प्रोसेस, इससे आपका कैपिटलाइजेशन भी बढ़ जाएगा, आपका इनकम भी बढ़ जाएगा, आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रीम क्रिएट किया जाएगा। यस, नेक्स्ट सेकंड रूल्स फाइव कमांडेंट्स का बारे में बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर समय 10-30% फ्रॉम योर इनकम सेव करना सीखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को एक अच्छा प्राइवेट इन्वेस्टर बनना है, एक सक्सेसफुल प्राइवेट इन्वेस्टर बनना है, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, ऐसा नहीं कि पैसे सिर्फ इन्वेस्ट करना है, पैसे कहाँ से इन्वेस्ट कर रहा है वो मैटर है। अब अगर आप किसी से उधार लेके, आप किस बैंक से लोन लेके इन्वेस्ट कर रहा है तो आपका रिस्क बढ़ रहा है, आप बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आप किसी से उधार लेने से वो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तब क्या होगा आपके इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ेगा। जो आपका इनकम आएगा, जो आपको ऊपर में 10 होगा, फिर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा नहीं मिलेगा। तो इनकम आप कहाँ से इन्वेस्ट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप महीने का 10-30% इनकम आप सेव करना सीखा, तो जो अमाउंट आप जो सेव नहीं करता था, जो आप यूज नहीं करता था, या आप लोग आप घर में आपका सैलरी 20,000 रहा है, 3,000 घर में रख रहा है, लेट्स से 3,000 लग रहा है, तो आप यूज नहीं कर रहा है ना, आप वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, या आप रख ही नहीं रहा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपका पैसे कहाँ से आके इन्वेस्ट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए आपको 10-30% इनकम, आप ये चीज हम लोग का EIP क्रू में अप्लाई कीजिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर जब से ये एकेडमी आए हैं, आप अगर 10-30% आप इनकम सेव करता है, आप इनकम सेव कर सकता है। अगर सोच लो मैं EIP क्रू में ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद है, ये प्रोजेक्ट मेरे को बहुत फ्यूचर में बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्रोजेक्ट बहुत प्रॉफिटेबल होगा, ऐसा माइंड में लग रहा है, पर मेरे पास पैसे नहीं। पर अगर ये सेकेंड रूल फाइव कमांडेंट में अगर आपने सेव 10-30% फॉर्म इनकम सेव किया होता तो आप भी क्रू का पोर्टफोलियो में अच्छा खासा बना सकता है। EIP क्रू में EIP इंस्टॉलमेंट ले सकता है, आप मंथली पे कर सकता है, क्योंकि ये एक्सपेंसेस नहीं है आपके इनकम में, जो EIP क्रू इंस्टॉलमेंट के पे कर रहे हैं, आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। और कंट्रोल योर एक्सपेंसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक्सपेंसेस और जो इनकम होता है, इनकम ज्यादा रखना पड़ेगा एक्सपेंसेस से। मानता हूँ जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो तो करना ही पड़ेगा, हम लोग जीने के लिए जो बेसिक एक्सपेंसेस है तो वो तो करना ही पड़ेगा, पर ज्यादातर जो जैसे कि आप समझ लो अभी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर दो गाड़ी रखने से फायदा नहीं है, वो मेरा ज्यादा एक्सपेंसेस जा रहा है, ठीक है, तो वो सब चीज उसके बारे में भी एक्सपेंसेस जो जिस चीज को खर्च नहीं करना चाह रहा है, मैं खर्च कर रहा हूँ जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, पर दूसरों लोग मतलब दूसरों का सामने अच्छा दिखना है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वो मत देखो, क्योंकि जब आप गरीब होगा, जब आप पैसे के लिए आपको पैसे के लिए चाहिए होगा, आपके पास कोई नहीं हो, इसलिए एक्सपेंसेस कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस, प्रोटेक्ट योर मनी, पैसे तो कमा लिया,
तो मेरा मनी कैसे प्रोटेक्ट करना है ये भी सीखना पड़ेगा, और लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइसली। जैसे कि मैंने आप बताया, अगर कुछ लोग ये प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे, आप ब्लाइंडली विश्वास मत करें। ऐसा नहीं कि विश्वास मत करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फ्रॉड होगा, ये स्कैम होगा। हर कोई कंपनी फ्रॉड नहीं होता है, हर कोई कंपनी स्कैम नहीं। एनालिसिस करो, वाइसली इन्वेस्ट करना सीखो। अगर अगर आप सोचो हम लोग को जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया है ग्लोबल पोर्टफोलियो, आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं, अगर आपको इन्वेस्ट करना वाइसली सीखने से कैसा करेगा? आपको जो इनकम, जैसे कि आप अगर सोचो आप $50 50 यूनिट सेव कर सकता है एक महीने के लिए, आप 12 महीने का ये ले लो, EIP 2 इंस्टॉलमेंट ले लो, क्योंकि ये जो आप इनकम से इन्वेस्ट कर रहा है, आप किसी से उधार लेके इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी से लोन लेके इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बट ये अगर आप 50 यूनिट करके रिस्क लेने से 4-5 इयर्स में इसने आपका लाइफ इतना चेंज कर सकता है, वो आपको रियलाइज होगा। यस, रिस्क नहीं लेने से नो रिस्क नो रिटर्न। ये तो अगर वो भी नहीं करना, आपका इनकम से भी आपका 2% भी सेफ नहीं, 2% भी आपको रिस्क लेने के लिए नहीं तैयार नहीं है, तो आप अभी जो भी हो, आप जिस तरह से रह रहे हैं वैसा ही रहना पड़ेगा। ये है जो एम्प्लॉयज होता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर और जो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो नॉर्मल पीपल होता है, क्या डिफरेंशिएट करता है? और वो लोग जो एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, वो लोग ऐसा नहीं कि एसेट में इन्वेस्ट कर लिया अमीर हो गया, ऐसा नहीं है। वो लोग भी टाइम लगाए है, सालों बार लगा के बाद ये चीज उन लोग के पास मिला है। ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर। जब भी सीखेगा हम लोग ज्यादा कमाने के लिए या ज्यादा वो करने के लिए हम लोग सीखेगा। अगर मेरा जो एक्सप्लेनेशन है अगर समझ में आ रहा है तो +1 टाइप कीजिए। ओके, थैंक यू। यस, फाइनेंशियल प्लान। डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लान हम लोग का साथ में रखना बहुत जरूरी है। अगर फाइनेंशियल प्लान नहीं रख के हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग जैसे कि क्या बोलता है, हम लोग एक रास्ता में जा रहे हैं जिसका हम लोग का क्या अल्टीमेट हम लोग का अचीवमेंट क्या होगा, हम लोग किस रास्ता में जा रहे हैं या किस रास्ता पकड़े हम लोग को मालूम नहीं चलेगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लान रहना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। हम लोग ने क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में लगा ले, पैसे लगा ले क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम में, और क्रिप्टो यूनिट 1-2 ईयर्स में तो हम लोग का इनकम आ जाएगा। इसमें इनकम आ जाएगा, इसमें अभी के लिए, अभी का सिचुएशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर पिछले साल में अगर क्रिप्टो यूनिट के बारे में बताता तो मैं ये वाला सिचुएशन मैं मीडियम टर्म में नहीं लगूंगा, मैं क्रिप्टो यूनिट तो हमेशा लॉन्ग टर्म में रखता हूँ। पर अभी जो सिचुएशन हम लोग का जो कंपनी के हिसाब से जो लीगल एस्पेक्ट में सारा कुछ जो फुलफिल किया है उसके हिसाब से बोलो तो मैं अभी मीडियम टर्म में लगूंगा, क्योंकि उसका मुनाफा अभी पाने वाला है क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल जा रहे हैं। यस, अगर लेट्स से मैंने लॉन्ग टर्म में स्काईवे टेक्नोलॉजी या TNG में इन्वेस्ट कर लिया, अगर मैंने सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया और मैं भी वेट कर रहा हूँ स्काईवे के लिए IPO वेट कर रहा हूँ, तो मैं गलत रास्ता पकड़ रहा है। हमको मीडियम टर्म भी करना है, लॉन्ग टर्म भी करना है, शॉर्ट टर्म भी करना है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म का जो अचीवमेंट के बाद उसका जो प्रोसेस में जो चलेगा उसके लिए तो पैसे भी चाहिए, उसके लिए तो फाइनेंशियल प्लान चाहिए, उसके लिए भी तो फाइनेंशियल इनकम चाहिए। तो ये चीज आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में जैसे क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड का शॉर्ट टर्म भी उतना नहीं बोलूंगा, फिर भी 1-2 साल के लिए लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड, अच्छा खासा मुनाफा पा लेता है क्योंकि रिस्क भी लेस है। सो जैसे इस तरह से आपको फाइनेंशियल प्लान बना के रखना पड़ेगा। जो क्रिप्टो यूनिट का आएगा, स्काईवे टेक्नोलॉजी भी जरूर आएगा, पर उसका लॉन्ग टर्म में टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं, हम लोग जीना तो नहीं छोड़ेंगे ना। अगर लॉन्ग टर्म स्काईवे टेक्नोलॉजी 2024-25 में सक्सेसफुल होगा, लेट्स से लॉन्ग टर्म में, तो मैं जो 4-5 साल बचाए ऐसा तो बैठ के तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये एकेडमी और प्राइवेट इन्वेस्टर क्या बोल रहा है, एसेट्स में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग करो और तुम्हारा मुनाफा निकलेगा।
ये चीज बता रहे हैं। यस, यहाँ पे भी फाइनेंशियल प्लान क्या होता है, ये एक कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है इन्वेस्टर के लिए, इन्वेस्टर करेंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल से बाय यूजिंग करेंट नॉन बैलेंस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर कैश फ्लो वैल्यूज एंड विथड्रॉवल प्लान्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड में आपको दो साल का लॉकिंग पीरियड में, तो दो साल आप नहीं निकालेंगे उसके हिसाब से ये शॉर्ट टर्म के लिए रख लिया, और बैंक डिपॉजिट एक साल के लिए रख लिया, इस तरह आपको फाइनेंशियल प्लान बनाना है। एक साल के बाद ये पैसा निकालना है, इसका इनकम इंटरेस्ट इतना आ जाएगा, इनकम ऐसा आ जाएगा, ये सब प्लान, और इस और फ्यूचर में जो आएगा, जो क्रिप्टो यूनिट के आए या स्काईवे टेक्नोलॉजी का आएगा, ये सब फाइनेंशियल प्लान आप बनाओ। आप बनाने से आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है बहुत इजी हो जाएगा, और आप एक शानदार सा लाइफ जी सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, डाइवर्सिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई योर कैपिटल्स, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग का पोर्टफोलियो क्यों ग्रो कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन के वजह से। आज दुनिया में जो सबसे ज्यादा शेयर वैल्यू है वो बर्कशायर हैथवे, वो क्यों ग्रो कर रहा है, वो डाइवर्सिफिकेशन के वजह से। तो ये चीज हम लोग को याद करना पड़ेगा। अगर मेरा कोई पोर्टफोलियो बनाना है या मैं कोई इन्वेस्ट करना है, प्लीज डाइवर्सिफाई योर रिस्क। जैसे कि आप समझ लो, एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिस प्रोजेक्ट में आप बहुत प्रोमिसिंग लग रहे हैं, मेरे पास 2 लाख है, वो प्रोजेक्ट आपको बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, फ्यूचरिस्टिक भी लग रहा है आप, तो आप एक काम कर सकता है, उसमें जो 2 लाख है ना, मैं 2 लाख पूरा नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 20,000-30,000, क्योंकि ये फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को पता नहीं है, पर जिस हिसाब से ये लोग दिखा रहा है उस हिसाब से मेरे को लग रहा है ये फ्यूचरिस्टिक है, पर ये प्रॉफिटेबल होगा फ्यूचर में, इसका पोटेंशियल लेके। आपको पूरा पैसे नहीं लगाना है, आपको 20,000-30,000 लगाना है। आप किसी और से कर म्यूचुअल फंड पकड़ लो, म्यूचुअल फंड का तो श्योर शॉर्ट जो इनकम होता है, जो मतलब 1 or 2 years में तो आपको प्रॉफिट ही मिलता है, उसमें लगा लो। आप ऐसा करके रिस्क डाइवर्सिफाई कर लो, तो आपका पैसे लॉस नहीं होगा। अगर आप जो 20,000-30,000 जो लगा रहे हैं वो लॉस भी हो, वो कंपनी डूब गया भी समझ लो, आपके पास जो 1,70,000 से जो इन्वेस्ट किया है वो पैसे आपके लिए कमा के देंगे, और वे पैसे आपके लिए लॉस नहीं होगा, और वो पैसे आपका इनकम या फाइनेंशियल प्लान स्टेबल रखेगा। इसलिए दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ बर्कशायर हैथवे के बारे में नहीं है, ना सिर्फ क्रिप्टो यूनिट के बारे में नहीं है। अगर हम लोग किसी सभी चीज में ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डाइवर्सिफिकेशन करने में हम लोग रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा, यहाँ पे कितना रिस्क लेना, जो ज्यादा हाई रिस्क है उसमें हम लोग ज्यादा पे नहीं लगाएगा, जो हाई रिस्क है तो उसमें कम लगाएंगे, जो रिस्क कम है उसमें ज्यादा लगाएंगे, तो उस हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करके एक स्टेबल पोर्टफोलियो बना सकते। यस, ये अभी का सेम वाला है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डोंट पुट ऑल योर सेविंग्स इन ओनली वन इन्वेस्टमेंट सेगमेंट इन रीजन। जैसे कि आप पकड़ लो, इस बार जो पेंडेमिक में क्या हुआ था, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, मतलब ज्यादा क्रैश नहीं हुआ, फिर भी आप पकड़ लो, मैंने सिर्फ एक स्टॉक में 4-5 लगा के रख दिया, ड्यू टू पेंडेमिक क्रैश हो गया, तो अगर मैं उस इनकम में या उस सोर्स ऑफ इनकम में या उस इन्वेस्टमेंट में डिपेंड किया तो मेरा लॉस है। अगर मैंने डाइवर्सिफाई किया, रिस्क डाइवर्स, मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, क्योंकि गोल्ड तो पेंडेमिक के टाइम में, आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, जब भी इकोनॉमिक टर्बुलेंस होगा, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, जब भी फाइनेंशियल डिप्रेशन होगा, अगर आपके पास गोल्ड है तो आप कभी नहीं लॉस में कभी नहीं होगा। हम लोग का क्रिप्टो यूनियन प्रोग्राम पोर्टफोलियो $477 million वर्थ क्यों हुआ, क्यों हम लोग का जब पेंडेमिक हुआ था हम लोग का पोर्टफोलियो क्यों ग्रो किया, क्योंकि हम लोग का 77% ऑफ पोर्टफोलियो गोल्ड है, इसलिए हम लोग को पोर्टफोलियो स्टेबल रखेगा। इसका मतलब जब भी फ्यूचर में कोई भी पेंडेमिक आ जाए या कोई भी फाइनेंशियल डिप्रेशन आ जाए, हम लोग को क्रिप्टो यूनिट का जो वैल्यू होता है ना, जो वो ज्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ये जो गोल होता है उसका अपना दूसरा एक वैल्यू होता है। अगर आप एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये फोन है और मैं एक सोना दे रहा है, ठीक है, तो आप कौन सा चीज लेने बोलने से, ऑब्वियसली आप गोल्ड लेगा, क्योंकि इसका अपना वैल्यू है।
ये प्रीशियस मेटल का अंदर है, ये प्रीशियस चीज है। तो ये माइंडसेट के वजह से, और आप लास्ट 30 इयर्स में चेक किया, आप लास्ट 30 इयर्स में चेक करो इंडिया का, स्पेशली फॉर इंडिया, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, जब फाइनेंशियल क्राइसिस, यूएसए का बहुत बड़ा डिप्रेशन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, आप वहां पे चेक, हम लोगों का गोल्ड प्राइस तो घटा भी नहीं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते गया। इस बार इंडिया में ऑल टाइम हाई मोर देन 55,000 हिट किया था, ऑल टाइम हाई 45, जब 3-4 महीने 45,000 वो ऑल टाइम हाई था इंडिया में, अभी 10 ग्राम में 52,000 समथिंग। तो देखो ये होता है, ऐसा रिस्क लेना। मैं ये चीज क्यों बताना चाह रहा है, अगर आपको एक स्टेबल फाइनेंशियल प्लान बनाना है, आप स्टेबल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, आपको डाइवर्सिफाइड रिस्क लेना है, तो ऐसा लेना पड़ेगा। अगर आपको जिस सेक्टर के बारे में पता नहीं, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जिस सेक्टर के बारे में आपको मालूम नहीं है उसके बारे में आपको पता चलना पड़ेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। पर हम लोग को एक आदत में वो प्राइवेट इन्वेस्टर के थ्रू से, मैं एक चीज एक हमें कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ स्पेशली प्रवीण सर को भी, जिसने MLCI मैराथन को बहुत अच्छी तरह इनिशिएट किया इंडिया के लिए, भावना मैम को भी, हर कोई जो MLCI मैराथन कंप्लीट करने में जो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि MLCI मैराथन में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पैसे लगाना है, पर्सनैलिटी कैसा डेवलप करना है, ये सारा हर चीज सिखाया जाता है। हम लोग लकी फील करना चाहिए क्योंकि हम लोग के पास इतना बड़ा एकेडमी है जहाँ पे हम लोग को भी नॉट जस्ट बोल देता है ये गोल्ड में इन्वेस्ट करने से अच्छा है, उसका दिशा भी दिखाता है, कैसे करना भी बता देता है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाता है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, रूल 5, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक चीज में एग्जाम्पल देखते हो, एक प्रोजेक्ट आपको इन्वेस्ट कर रहा है उसमें आप क्या करेगा, आपका दिमाग में क्या होता है कि ये चीज होगा कि नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा दिमाग में ऐसा चीज चलेगा तो आप इन्वेस्टमेंट में कभी सफलता नहीं होगा। आप डिसिप्लिन, आप अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसको पूरा पोटेंशियल के साथ, पूरा वफादारी के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप समझ लो, मैं SBI कार्ड का बताया था, 430 में आपने ले लिया, ठीक है, तो आपने सेल किया 600 में सेल किया, और जब प्राइस हाई हो गया फिर आप ले रहा है, तो आप इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन का जो प्लान है वो कर रहा है। अगर आप 400 में ले रहा है और 600 में एग्जिट होने से एग्जिट हो गया, ये SBI कार्ड का मैं जस्ट एस एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन में आप एक्सपेंसेस और जो इनकम कंट्रोल, वो भी इसका डिसिप्लिन में आता है। आप अगर अच्छा से एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप ज्यादा कमा रहे हैं, नो डाउट आप ज्यादा कमा रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहा है और इनकम घट रहा है, तो ये आप अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज कंट्रोल करेगा तभी तो अच्छा इन्वेस्टमेंट हम कर पाएगा, इसलिए स्टिक टू द प्लान। और एक और चीज करना चाहता है, अगर हम लोग को जो ग्लोबल पोर्टफोलियो किया, ग्लोबल पोर्टफोलियो जो क्रिएट किया हम लोग का CEO एंड्रे सर ने 2014 में जो क्रिएट किया, उसने क्या किया, उसने डाइवर्सिफाई किया, उसने कितना डॉलर से शुरू किया, $26,000 था, नो डाउट उस टाइम में उसका पास बहुत पैसा है, वो ऑलरेडी मल्टी मिलीनियर है, उस टाइम में वो बहुत ज्यादा पैसा लगा सकता था, पर उसने क्या किया, $26,000 से स्टार्ट किया, डाइवर्सिफाई किया, ये सब इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन में आता है, इसलिए वो सफलता पा रहा है। जब वॉरेन बफेट ने कोको कोला का शेयर खरीदा था 1976 में, वो 2 रुपया या 3 रुपया था, उसने क्या किया, उसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग किया। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब आप लो प्राइस में खरीद रहा है, और उसने कितना था, अभी भी है उसका शेयर, कोको कोला में शेयर, उसके वजह से बर्कशायर हैथवे में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया। तो इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, अगर आपको अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना है खुद का, आपको फाइनेंशियल प्लान अच्छा वाला बनाना है खुद का, तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। यस, मैं पहले भी बता चुका है, डोंट बी ग्रीडी, पर मैं इस चीज के ऊपर मैं एक और चीज भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक समय बहुत ग्रीडी था। कैसा ग्रीडी है मैं बताना चाहूंगा।
मैं बिफोर ज्वाइनिंग एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर मैं एक स्टॉक ट्रेडर था. स्टॉक ट्रेडर में मेरे को टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि मेरा जो एमबीए किया था मैंने फाइनेंशियल मार्केट लिया था, इसलिए मेरे को टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस मुझे को पता था. मुझको पता था अगर ये न्यूज आ गया तो स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा घटा, ये सब मेरे को नॉलेज था. और टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल चार्ट एनालिसिस ये सब वगैरह मेरे को सब कुछ मालूम था. और मैं जब स्टार्टिंग किया था मैं अच्छा खासा कमा रहा था, मैं 3000-4000 डेली बेसिस में मैं कमा रहा था. तो क्या हुआ, एक दिन मैं रिलायंस का शेयर उस टाइम में 700 में ट्रेड किया था, तो उस टाइम में मैंने एक दिन में 25,000 कमा लिया था मेरा 40,000 से ट्रेडिंग करके. 40,000 का उस टाइम में एंजल ब्रोकिंग में 40 टाइम्स आप लोग आपको क्रेडिट मिलता था, उसका मतलब मैं 16 लाख का मैं स्टॉक. मैंने क्या किया, मैंने कमा लिया 20,000. उसके बाद मैंने क्या किया, वो मैंने स्टॉक ट्रेडिंग क्लोज कर दिया था. तो उसके बाद फिर मैंने रिलायंस का शेयर प्राइस देखा, फिर बढ़ता गया. तो मेरे को आगे ग्रीडनेस, अरे मैं अभी 2000 शेयर लेके फिर ट्रेड करने से मेरे को मुनाफा पा जाएगा, तो मैंने फिर कर लिया और मेरे पैसे लॉस हो गया. ये किस वजह से लॉस हुआ है, मेरा ग्रीडनेस का वजह से. तो फिर लॉस करते करते नेक्स्ट दिन में क्या हो गया, मेरा इतना लॉस है, मेरा नेक्स्ट दिन में ये रिकवर करना है, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, ऐसा कर करके सब सारा कुछ लॉस हो गया. तो आपका अगर ग्रीडीनेस होने से आपका पास जितना भी एजुकेशन हो, जितना भी आपको एक्सपर्ट हो, आप अगर ग्रीडीनेस कंट्रोल नहीं कर सकता है तो आप सफलता नहीं पा सकता है. इसलिए यहाँ पे साफ तरह लिखा है, ग्रीडीनेस लीड्स टू बैंक्रप्टसी. यस, सही बात है. मैंने जब स्टॉक ट्रेडिंग किया था मैंने 5 लाख 6 लाख 3 मंथ्स में लॉस किया था, तो ये तो बैंक्रप्टसी ही हो गया, मेरा सारा पैसा चला गया था. तो ग्रीडीनेस सबसे, ये चीज दिल में नहीं रखना. जैसे कि मैं क्रिप्टो यूनिट के बारे में इसमें भी थोड़ा एड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि जो होता है इंटरनल एक्सचेंज में होता है, जो कंपनी जो पोर्टफोलियो जो अनब्लॉक क्रू होता है हम लोग बेच देता है. अगर ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे कि ट्रेडिंग करने में एक चीज होता है, जो क्रिप्टो यूनिट में जो ट्रेडिंग करके जो कमाता है वो सही है, वो बुरा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग उस पोटेंशियल को जानता है. अगर लोगों को दिमाग में ये होना है कि मैं जब एक्सटर्नल जाएगा हम लोग को अनब्लॉक प्रूफ बेच दूंगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों को दिमाग में होता है मेरे को विश्वास नहीं होता है, मेरे को जल्दी पैसे चाहिए, मेरे को ये इनकम चाहिए, ये हम लोग के पास ये ग्रीडीनेस होता है. हम शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है, ये नहीं होगा. शॉर्ट टर्म में अमीर बनना नहीं होगा, ये नेचर का जो प्रोसेस होता है, फाइनेंशियल नेचर का प्रोसेस में जो होता है उसमें इंक्लूडेड है ही नहीं. जब हम लोग को जो अभी पोर्टफोलियो मिल रहा है, ग्लोबल पोर्टफोलियो मिल रहा है अभी जो $477 मिलियन वर्थ है, ये 1-2 साल में नहीं हुआ. अगर एंड्री होवर्थोप, हम लोग को सीईओ एंड्री होवर्थोप सर ने वो फाउंडेशन वो 2014 में क्रिएट नहीं करता है, तो 2 साल में अगर हम लोग का, नो डाउट हम लोग को इन्वेस्टमेंट आया उसके वजह से और भी ज्यादा इन्वेस्ट कर पाया, पर अगर वो $26,000 का जो फाउंडेशन है ना वो नहीं रखने से हम लोग को जो आज अचीव किया है हम लोग नहीं कर सकता. यस, सेल्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मेनली इन MLCI बिजनेस. MLCI बिजनेस में आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई आपका जो स्ट्रक्चर में आपको दिखता आपको ऐसे लीडर आपको दिखता है तो आपके पास सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका पर्सनैलिटी दिखना चाहिए, आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए. ये कब होगा, पर जब हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट होगा. सेल्फ डेवलपमेंट वो चीज के लिए भी नहीं है, अगर आपको सेल्फ डेवलपमेंट करने से आपको सक्सेस का राह में आप जा रहा है. हम मैं मास्टर प्रोफी कर रहा हूँ, मैं या जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम बन रहा हूँ, मतलब मेरा सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें हम इम्प्लीकेशन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली सक्सेस का वे में जाएगा ही जाएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इन्वेस्ट इन एजुकेशन. एजुकेशन में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. आप अगर कोई चीज सफल ना पाता है तो इन एजुकेशन इज द मेन बेस. अगर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता है तो मैं डायरेक्टली वो करके तो एग्जाम देके तो नहीं होगा, मेरे को उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके लिए वो एजुकेशन ही है. हर सेक्टर में आप देखो, अगर बेसिक एजुकेशन जो बेस नहीं होता है, अगर वो एजुकेशन नहीं लेने से आपको सफलता नहीं पाएगा. इसलिए सेल्फ एजुकेशन
सेल्फ डेवलपमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आप लोग के सामने अभी वेबिनार दे रहा है, कुछ सालों दो तीन सालों में पहले मेरा मैं किसी और के सामने या क्राउड के सामने मैं बोल भी नहीं सकता था, पर अभी मैं बोल पा रहा हूँ, आप लोगों को नॉलेज डिलीवर कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सेल्फ डेवलपमेंट किया। तो सेल्फ डेवलपमेंट करने से क्या होता है, मेरा खुद का भी बढ़ रहा है और मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रहा है, एज पर हम लोग जो एकेडमी और प्राइवेट इन्वेस्टर एज पर ये सिचुएशन उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। इसलिए सेल्फ डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। यस, ऑलवेज मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। जैसे कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, आपका जो प्रॉफिट आता है वो हमेशा मल्टीप्लाई करने के लिए सोचो। आप सोचो आपका एक इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट आप खत्म मत कीजिए, वो प्रॉफिट आप दूसरा चीज में फिर लगाइए, फिर बढ़ाइए, जिससे क्या होगा आपका रिस्क कम होते ही जाएगा और आपका इनकम बढ़ते ही जाएगा। अगर मैं एक चीज के ऊपर मेरे को इनकम मिल रहा है और मैं दूसरा चीज लगा रहा है, दूसरा चीज लगाने से अगर सोचो वर्स्ट सिनेरियो में सोचो, वो लॉस हो गया, वो कंपनी मेरा पैसे लेके चला गया, पर आपको इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आप वो इनकम लगा रहे हैं, आपको प्रॉफिट से लगा रहा है, ना कि आप दूसरा से लेके या दूसरा लोन लेके नहीं लगा रहे। इसलिए मल्टीप्लाई करना सीखो। मल्टीप्लाई करना सीखने से हम लोग का जो इनकम स्ट्रीम से बहुत ज्यादा बदल सकता है। और एग्जैक्टली जो एकेडमी और प्राइवेट इन्वेस्टर अभी हम लोग जो कर रहा है ये मल्टीप्लाई ही कर रहा है। अभी एआईपी क्रिकू खत्म हो गया, अभी यूगेन आ रहा है, यूगेन से अभी पैसिव इनकम क्रिएट करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये प्रॉफिट 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 क्रिएट करना है। जैसे कि अब हम लोग का क्रिप्टो यूनिट जब एक्सटर्नल जाएगा उससे भी इनकम आएगा, जो प्रॉफिट आएगा फिर दूसरा प्रोजेक्ट में डालेगा, उसका मतलब रिस्क कम होता जाएगा, इनकम स्ट्रीम ज्यादा क्रिएट कर रहा है, रिस्क कम कर रहा है, उससे अच्छा बढ़िया चीज नहीं हो सकता है। यस, कैपिटलाइजेशन, ये कैपिटलाइजेशन चीज जानना बहुत जरूरी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, जिस एग्जांपल देना चाहूंगा, कैपिटलाइजेशन ये चीज होता है, जैसे आप पकड़ लो हम लोग का क्रिप्टो यूनिट का जो नंबर ऑफ टोकन्स यो इशू करेगा, यो ये 80 बिलियन टोकन्स है, आउट ऑफ दिस 30 बिलियन टोकन्स इज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, और जो 3 बिलियन टोकन्स है वो हम लोग स्टेकिंग के लिए रख रहा है, और 2 बिलियन टोकन जो आप लोग सबको बताया कि आप लोग ऐसे गिफ्ट जो कंपनी को 2014 से लेकर 2020 अक्टूबर तक जो सपोर्ट किया उस लोग को हम लोग को सीईओ ने ऐसे गिफ्ट प्रेजेंट करेगा, इसके लिए वीआईपी तो खरीदना पड़ेगा। तो मैं कैपिटलाइजेशन के चीज में ये चीज बताना चाहता हूँ, अगर ये डेफिनेशन बेसिस में मैं बता रहा हूँ, लेट्स टेक 80 बिलियन हम लोग का अभी 30 बिलियन क्रूड सोल्ड आउट है, प्लस लेट्स से एग्जांपल 35 बिलियन क्रू खत्म हो गया, 35 बिलियन क्रू खत्म हो गया, और अभी हम लोग का कैपिटलाइजेशन कितना होगा, मतलब तो क्या करेगा, क्रू का जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें से आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन निकलेगा। थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन होने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड जाना चाहूंगा। यहाँ पे फाइनेंशियल प्लान एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे आप देख सकता है, सैलरी $100 और परसेंटेज 8% का, और $200, $300, $400, $500, $500, जो लास्ट का जो £500 है वो 10% के, और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम लोग पकड़ लेता है £10 पर मंथ। ओके, 10% हम लोग जो ये हम लोग का सैलरी है जिसमें से हम लोग इन्वेस्ट कर रहा है 10%, मतलब £100 का 10% हो गया £10, इसका मतलब £10 इंटू $10 ही पकड़ लो, $10 इंटू 12 मंथ्स, यस 10% का £10 10 हो गया,
देखो इसको, और ये 200 का, ओके ओके, यहाँ पे 200 तो मैं यहाँ पे 200 का कैलकुलेशन शो कर रहा है इसमें से, तो 200 का $200, अगर $200 में जैसे कि पहले सिखाया था कि हम लोग का जो अकॉर्डिंग टू 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, हम लोग का अगर 10%, अगर मेरा सैलरी है $200 और मैं यहाँ पे अगर 10% सेव किया, सेव कर सकता है, तो इसमें से हम लोग हर महीने कितना इन्वेस्ट करेगा, $20. तो यहाँ पे सैलरी 20 into 12, यहाँ पे आपको देख सकता है ये 8% में 204.95 है, ये अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर है, एक साल का है। अगर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करने से आपको आपको यहाँ पे देख सकता है, दो साल में 721 pounds, तीन साल में 2020, चार साल में 5,293 pounds। मैं एक सिंपल चीज में बताना चाहता है, अगर मैं एक महीने के लिए 100 rupees लगा रहे, सिंपल चीज में आप ये पाउंड डॉलर छोड़े, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने के लिए आप एक सिंपल चीज में बताना चाहिए, आपने 100 rupees लगाया, 100 rupees, 100 rupees में कितना परसेंटेज मिल रहा है, 10%, 10% मेरे को इनकम मिल रहा है, 100 rupees का 10% हो गया 10 rupees, 10 rupees हो गया, तो मेरा एट द एंड मेरा कैपिटल कितना आ गया, 100 plus कितना प्रॉफिट मिला, 10, ये 110 हो गया, ये 110 हो गया। और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में क्या करने का, जब नेक्स्ट मंथ में आप 100 rupees और लगा रहे हैं, 100 rupees 110 में एडिशन होगा, तो आपका आपको क्या मिलेगा, 210, मेरा कैपिटल हो गया उस टाइम में 210, और ये परसेंटेज आप 210 में लगाएगा, तो ऐसा बढ़ते बढ़ते आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करने से बढ़ जाएगा। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जैसे कि एक महीने का 10% मिल रहा है, 10%, 100 का 10%, 10 rupees, ठीक है, नेक्स्ट महीने का भी 10 rupees मिल रहा है, पर वो कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, वो 100 rupees का बेसिस में मिल रहा है। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो होता है, जो आपका कैपिटल में एड ऑन करके जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया 100 rupees का 10% मिला, 110, तो नेक्स्ट मंथ में कितना फिर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 100 rupees, तो मेरा नेक्स्ट का उस महीने का जो इंटरेस्ट किसके ऊपर में लगाएगा, 100 plus 110, 210 के ऊपर लगाएगा, जिसका मतलब मेरा कैपिटल भी बढ़ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है, मेरा कैपिटल ये महीने भी 100 rupees लगा रहा हूँ, इसके लिए 10% मिला, 10 rupees मिला, नेक्स्ट महीने भी 100 rupees लगा रहा हूँ, इसलिए उसके लिए वो 100 rupees में ही परसेंटेज निकालेगा, वो 210 में परसेंटेज नहीं निकालेगा। इसका आपका इफेक्ट, इसका इफेक्ट आप यहाँ पे भी देख सकता है, 204, 721, 2020, 5000, इसका मतलब आप अगर ये प्रोसेस में, नो डाउट आप बिगिनिंग में स्मॉल अमाउंट हो सकता है, पर दो साल तीन साल के बाद ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होने से बहुत बड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल बड़ा होता जाएगा, आपका कैपिटल बड़ा होता जाएगा, और इंटरेस्ट आपका जो कैपिटल है उसमें बढ़ेगा। यस, ये चीज दिखाना सर, आप अगर एक दिन में, वन डे में अगर आप $1 सेव कर सकते हैं, मान लीजिए एक दिन में $1 मतलब इंडियन रुपीस में 75 rupees पकड़ लो, अभी के लिए 73 या 75 rupees पकड़ लो, तो $1 का अगर 30 डेज में पकड़ लो आप, इसका मतलब $30 आप महीने के लिए सेव कर सकता है, $30 आप महीने के लिए सेव कर सकता है, और $30 ये महीने के लिए $30 करके आप 30 साल का हिसाब लगा लो, तो आपको मिलेगा $10,800। इसका मतलब मैंने महीने में अगर $30 सेव किया और 30 साल के लिए $30 करके महीने वन मंथ महीने मंथ वाइज आपको $30 सेव करके 30 साल के लिए रखा विदाउट इन्वेस्टिंग, आप बिना इन्वेस्ट करके जो सम अमाउंट मिलेगा वो होता है $10,800, यहाँ पे जो लिखा है $10,800। अगर आप ये चीज किसी और में जो इन्वेस्ट से
जिसमें साल पे जो 12% मिलता है, एक चीज में इन्वेस्ट किया जिसमें आप मेरे को 12% मुनाफा पा सकता है। तो अगर 30 साल आपने सेव करके आपने घर घर में रखा, सोचो, या बैंक में रखा, आपका बैंक में रखने से भी $10,800 को उतना ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है पहली बात तो, और जो परसेंटेज होता है बहुत लेस होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, आप एक साल के लिए 10,000 के में पूरा हर साल में 7% 10,000 में निकालेंगे, वो लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सिस्टम नहीं यूज करेगा, सिंपल इंटरेस्ट सिस्टम यूज करेगा। तो आपने ये चीज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में डाल दिया और आपने सोचो किस 12% रिटर्न आ पा रहा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में। 30 साल के बाद आपका जो वैल्यू होता है कितना है, 95, आपको जो वैल्यू होता है $1,05,897। इसमें मैं कैपिटलाइजेशन के बारे में ये स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगा, इसमें आ रहा है $1,05,897। आपने कितना इन्वेस्ट किया, $10,800। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, $95,097। ये होता है कैपिटलाइजेशन, इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन। आपने इन्वेस्ट $10,800 किया और आपको टोटल कैपिटल इनकम जो होता है, जो इन्वेस्ट किया प्लस प्रॉफिट प्लस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल इनकम। मैंने $10,800 इन्वेस्ट किया था कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, 30 इयर्स के बाद मेरा जो कैपिटल इनकम है $1,05,897 हुआ। अगर मैं इसमें अगर पूछा जाए मैंने मार्केट मेरा कैपिटलाइजेशन कितना है, तो कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू कैपिटल इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट। जो एक कैपिटल इनकम होता है, इससे इन्वेस्टमेंट निकालने से मेरे को कैपिटलाइजेशन मिल गया। आई होप अभी कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। सो आप देखिए, अगर एक दिन का हम लोग आजकल के जमाने में जो एक दिन का 100-200 रुपया कुछ नहीं होता है, ज्यादा वैल्यू नहीं रहा, पर जो ज्यादा वैल्यू नहीं रहता है ना, उसमें भी आपने एक दिन में अगर 70 रुपीस पे सेव करके $30 लगा सकता है महीने के लिए, 30 साल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको बहुत मुनाफा पा सकता है। ये ज्यादा कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक गरीब इंसान भी कर सकता है। जो नॉर्मल इंसान जो 3,000 तो नहीं बोलूंगा, 5,000-6,000 निकालता है, उस वो लोग भी कर सकता है ये चीज। पर उन लोगों को करने के लिए कुछ एजुकेशन तो चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन तो चाहिए, कहाँ पे लगाना है, कैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्रिएट करना है, कैसे भरवाना है, ये नॉलेज चाहिए। और ये चीज हम लोग को एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर कर रहा है, ये चीज, ये नॉलेज हम लोग को जो नॉर्मल पीपल जस्ट लाइक अस, जो एम्प्लॉइज होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉइज होता है, ये चीज हम लोग को सिखा जा रहा है। सो आई होप जो कैपिटलाइजेशन के बारे में मैं जो बोलना चाहता है इसमें फुलफिल किया। तो नेक्स्ट स्लाइड, यस, मैंने अभी जो बताया कैपिटल इनकम क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना लगाया और कितना इनकम जनरेट किया, वो कैपिटल इनकम है। कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जो कैपिटल इनकम से मेरा जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो डिडक्शन हो गया, ये मेरा हो जाएगा कैपिटलाइजेशन। Yes. What to do next in order to live dream life in 3 months? ये आपको डिसीजन मिलना है। मैंने आपको बता दिया जो बेसिक इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग में, उसमें आपको इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ आपका एक्सपेंसेस कैसे कंट्रोल कर सकता है। आप अभी दिन में $1 सेव करके आप 30 साल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करके आपको कितना मैसिव इनकम क्रिएट कर सकता है। $1 तो एग्जांपल लिया, आप $1 से भी ज्यादा तो इन्वेस्ट कर ही सकता है एक दिन के लिए। तो ये चीज आपको डिसीजन लेना है, और ये चीज लेकर आपको नेक्स्ट 3 months में आपको डिसाइड करना है आपको आपका लाइफ कैसा जीना है, ये आपका डिसीजन है। और जो अभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देख रहा है, इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग देख रहा है, आपका जो नया मेंबर है जो देख रहा है, आप अगर कोई भी चीज जो इस एजुकेशन के बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको कोई भी चीज समझ में आ गया, तो यस ईआईपी क्रू में आप इंप्लीमेंट कर सकता है। ईआईपी क्रू जो पोर्टफोलियो, उसके बारे में स्टडी कीजिए,
जैसे कि मैंने स्टडी करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, ये बेसिक तो आपको पता ही हो गया, तो स्टडी तो करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और ये अपॉर्चुनिटी लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट इसमें अप्लाई कीजिए और आपको फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है. यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच. आज के लिए तो मेरा इसमें मेरा स्लाइड खत्म है. तो आई होप मेरे तरह मेरे साइड से मैं अच्छा मेरा बेस्ट अचीव करने के लिए प्रेजेंट करने के लिए ये एजुकेशन जो मैं मेरा मेरे को पता है वो एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया. तो आई होप आप लोग को भी अंडरस्टैंड थोड़ा ये नॉलेज एक्वायर करके, सिर्फ एक्वायर करके रखने से फायदा नहीं होगा, आप लोग भी इम्प्लीमेंट कीजिए, अप्लाई कीजिए, आपका जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आएगा. जैसे कि आप यहाँ पे जो लीडर्स अभी प्रेजेंटेशन दे रहा है, मैं एक समय में था, मैं एक समय में जब चला गया था मैं डिप्रेशन में चला गया था, मेरा कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा था, मेरा जो मिशन और विजन कुछ भी नहीं था. पर अगर ये एजुकेशन लेने के बाद मेरे ऊपर जो चेंजेस आया इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ जैसे कि हम लोग पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या सीख रहा है, इन्वेस्टिंग क्या सीख रहा है, मैं अभी फ्यूचर देख पा रहा हूँ, मेरा ड्रीम रियलाइज होने के लिए भी मैं अभी कॉन्फिडेंट हूँ. मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं एक फुटबॉल क्लब बनाऊँ और उसमें बहुत इंडिया के लिए बहुत बड़ा क्लब बनाऊँ, ये मेरा एक ड्रीम है. मेरा ये ड्रीम अभी पॉसिबल होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है. तो आप लोग भी ये एजुकेशन लेके आपका लाइफ चेंज कर सकते हैं. आपका एज के बारे में तो आप फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप 70 इयर्स हो, 80 इयर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. आपका जो राइट डिसीजन लेना पड़ता है, राइट एजुकेशन लेना पड़ता है, राइट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. सो थैंक यू रणाकर सर और थैंक यू प्रवीण सर फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन से फिर आप लोग के साथ मिलने के लिए कोशिश रहूंगा, और मेरे साथ जो भी एजुकेशन है, जो भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर सकता है, वो नॉलेज मैं देंगे आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा. सो थैंक यू सो मच. विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय प्रेजेंटेशन. थैंक यू प्रवीण सर. ओके सर, आई एम क्लोजिंग. ओके, थैंक यू. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ ऑफ यू. एंड आज रत्नाकर सर का डेब्यू प्रेजेंटेशन था और बहुत अच्छा उन्होंने किया हुआ है. Yes, आज उनका yes. डेब्यू था इंटरनेशनल वेबिनार में और काफी काफी अच्छा किया. मार्वलस मार्वलस. कांग्रेचुलेशन रणाकर सर. थैंक यू सर. थैंक यू प्रवीण सर. थैंक यू मिस्टर खान सर. थैंक यू. ओके थैंक यू सर. ओके सर. वेलकम वेलकम रत्नाकर सर. एंड आज आपका डेब्यू था, वेरी गुड प्रेजेंटेशन. मैंने काफी सारे पॉइंट्स को नोट किया है. रियली हैट्स ऑफ टू यू सर. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. Thank you.